हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड सबने राम राम। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे एचसीएस का पेपर आपका कल कंप्लीट हुआ है, तो प्रदीप सर भी मेरे साथ हैं एंड वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन। काफी डिटेल में एक क्वेश्चन को हमने एनालाइज किया है, बैठ के हर चीज को देखा है, और जितने भी लोग अभी जुड़ गए हैं वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, पिंकी और बाकी लोग भी जो भी जुड़ गए हैं, ठीक है। और एक कमेंट में देख पा रहा था विपुल का, विपुल लिख रहे थे कि डिलेज इन दिस स्ट्रीम शोज द पेपर वाज टफ एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद विपुल कि बिल्कुल यही बात है कि पेपर काफी टफ था। हमें भी, मतलब अगर मान लो मैं उस पेपर को रियल टाइम में अटेम्प्ट कर रहा होता तो क्या सिचुएशन रहती, किस तरीके से रहता। पहले मैंने अटेम्प्ट किया, फिर जो नहीं समझ में आ रहा था उनको रिसर्च किया, कौन सा सवाल कहाँ से एचपीएससी ने उठाया है, तो वो सारी की सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। भारती, नैना, निशा, नरेन, ठीक है। जब सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, सबको एक साथ ही गुड आफ्टरनून। अब मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं। पहली चीज कि इसमें हम पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, आंसर की डिस्कस करेंगे, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अभी आप लोगों से, आप आराम से अपना पेपर लेके बैठे, आंसर्स मिलाए। This is the most authentic answer की which is possible। 2-3 क्वेश्चन मुझे भी नहीं समझ में आया, प्रदीप सर को भी नहीं समझ में आया, तो उनका आंसर हम नहीं प्रोवाइड करा सकते। और कुछ में कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन ये भी है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स कहीं पे दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कहीं पे दे रखा है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा कि उसका हमें किस तरीके से लेना है, तो वहां पे कमीशन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो एक पॉइंट को आराम से डिस्कस करते हुए चलेंगे। बट डेफिनेटली वन थिंग हैज टू बी सेड कि एचपीएससी ने जो पेपर कंडक्ट कराया है, इट इज वन ऑफ द, मतलब जो क्या बोल सकते हैं हम उसको, बेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ एचपीएससी एज वेल एज यूपीएससी के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड सोर्सेज आपके रखे गए हैं। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर, जैसा हमने पहले भी देखा था साइंस के, हिस्ट्री के, थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 1-2, वहां से क्वेश्चन वहीं से फिर से आ रहे हैं, ठीक है। साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन है, मैप के क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप देखने को मिले हैं। उसके अलावा जैसे और रहेगा, एक मेजर चीज जो नोट में आई कि पहली चीज तो पेपर वाज टफ, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और इसमें जिसने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मैंने आपको 3-4 चीजें पहले बोली थी। एक, पहला पेपर काफी टफ होने वाला है, ठीक है। जो ऑफलाइन भी काफी स्टूडेंट आए हुए थे उनको भी बताया गया था कि इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड आप रहना, इजी नहीं आएगा क्योंकि पैटर्न जिस हिसाब से चेंज हो रहा था। तो आई थिंक थोड़ा सा, एक सेकेंड में इसको, ठीक। तो पहली चीज तो यही थी कि पेपर टफ होने वाला है क्योंकि जिस हिसाब से एचपीएससी चल रही है उसमें यही लग रहा था। सेकेंड चीज ये थी कि इकोनॉमिक्स आपकी अभी तक नहीं पूछी गई थी और इकोनॉमिक्स के काफी क्वेश्चन देखने को मिले। हमने जो जो इनिशिएटिव स्टार्ट करे थे उनके हिसाब से क्या क्या हम कवर कर पाए, कितना कवर कर पाए, वो भी अपन देखेंगे। बट देखिए, मतलब स्टैंडर्ड चीजें एनसीईआरटी ये आप लोगों को करवाई गई थी। एनसीईआरटी साइंस तो ऑलरेडी उसमें भी YouTube पे भी प्लेलिस्ट है। बाकी एनसीईआरटी का कंप्लीट बैच था, हमने काफी चीजें डिटेल में डिस्कस करी थी। और मैंने आपको कहा भी था कि एनसीईआरटी के बॉक्सेस आपको जरूर करनी है और उनको भी वहां से काफी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक बार पीडीएफ को हम देख लेते हैं, बट तब तक करंट में डाकू में जो हमने करे थे, पेज बाय पेज आपको बताया जाएगा कि किस पेज पे हमने क्या किया था। बट हाँ देखो, सारी स्टेटमेंट तो डेफिनेटली कवर अप नहीं हो सकती, बट यस पीआईबी वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स जहां पे एचपीएससी ने फोकस किया। और पीआईबी की लाइन बाय लाइन उठा के उन्होंने आपके लिए स्टेटमेंट्स डाली हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन को, एक लाइन को रिसर्च किया है, तो उससे यही समझ में आया। एक सेकेंड, मैं पेपर को थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेता हूं। पीडीएफ जो है वो रेडी हो गई है। और सर करंट्स का जो रेलेवेंस है ना, लास्ट जैन महीने से ही 2-3 उठाए हैं, खास करके जैन से लेके सितंबर, ये 4-5 महीने में ज्यादा देखने को मिले हैं। जनवरी 2023 के काफी क्वेश्चन देखने को मिले, 2-3, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों से, जून, जुलाई, इन महीनों से आपके काफी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो पीआईबी की इंपॉर्टेंस आपकी बड़ी है। अब हम रेगुलर बेसिस पे पीआईबी को भी देखने लगेंगे। 75 हार्ड से आपका काफी अच्छा रिवीजन हो पाया था, देखो टर्म्स बहुत ज्यादा पूछी हमने, इतनी सारी लर्न करी, बट उन्होंने पता नहीं और कुछ पूछ लिया। सो अब उसमें आपको ये नहीं सोचना कि क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, उसको कोई ही अटेम्प्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और वहां पे गुड स्ट्रेटेजी वुड बी कि आप उस पर ज्यादा फोकस ना करें कि क्या मतलब क्या करना चाहिए। मैप का जो एक 8 घंटे का वीडियो है उससे आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस को अगर हम डायरेक्टली ना भी देखें तो वैसा हो रहा है, ठीक है। और कट ऑफ को भी अपन लास्ट में देखेंगे कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो आप लोगों के फीडबैक के बाद ही कि किसके कितने बन रहे हैं और उसी हिसाब से अपन देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन की पीडीएफ ग्रुप में डालेंगे, बट उसमें आपको एक्सप्लेन मुझे भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि 2-3 क्वेश्चन अलग तरीके से हमने देखे हैं, तो एक बार निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन की पीडीएफ आप लोगों को आराम से ही प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, कि सेक्शन के हिसाब से। लास्ट ईयर भी ऐसी ही पीडीएफ बनाई थी जिसमें ग्रीन और रेड कलर का पेन यूज किया गया है, जिसमें कि ग्रीन जो है वो राइट स्टेटमेंट के लिए रहेगा और रेड जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए रहेगा, ठीक है। बाकी जितना हो सकता था हमने भी रिवीजन करवाने की कोशिश करी और आप लोगों ने भी पढ़ाई करी है, और कट ऑफ डेफिनेटली पिछली बार से कम ही जाएगी। अब कितना कम जाएगी और कितना नहीं जाएगी वो हमें देखना है, ठीक है। अब देखिए आई डोंट नो कि कौन सा सेट है ये, बट अब हम एक क्वेश्चन आराम से डिस्कस करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई जस्ट वांट टू आस्क कि मतलब आप लोगों को पेपर जो है वो कैसा लगा, आप एक बार बस हल्का सा शेयर कर सकते हैं कि हाउ डिड यू फील कि पेपर किस कैटेगरी में है, एक स्टैंडर्ड कैटेगरी में प्लस इजी, टफ, वेरी टफ, तो उसमें से आप बता सकते हैं। उसके बाद अपन डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है, पिंकी जो कह रही हैं 1-2 स्टूडेंट के कॉल भी मेरे पास कल आए थे, तो किसान आंदोलन की वजह से दे कुड नॉट मतलब रीच टू द सेंटर और उनको रोक भी लिया गया, बट उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वेरी टफ, टफ, सी सेट, ओके, सेट सी। और सर टफ पेपर में ना जो बच्चा लंबे समय से तैयारी कर रहा है और उसको फायदा होता है, क्योंकि इजी में तो सभी कर पाएंगे, लेकिन टफ में एक्सपीरियंस भी काम आएगा। एग्जैक्टली। और बहुत सारे फैक्टर काम आते हैं। सोलो ट्रिप राइडर स्टैंडर्ड तो कुछ था ही नहीं सर, नहीं स्टैंडर्ड था, आप देखेंगे स्टैंडर्ड मींस एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। हम क्या करते हैं कि 10-15 क्वेश्चन से पेपर का आइडिया लगाते हैं, बट दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। आप 80% क्वेश्चन देखें, 70-80% क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आई कैन एग्री 20 से 30 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे वेरी करेंगे, एंड दैट इज द नेचर। मतलब सिविल सर्विसेज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम आपका यूपीएससी कहलाता है। अब हरियाणा का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम तो डेफिनेटली एचसीएससी है, तो आप उस स्टैंडर्ड को भी एक्सपेक्ट करें। वहां पे अगेन मैंने आपको कहा था मेंटल, अब देखो पढ़ा ना पढ़ा सब बराबर हो जाता है, लास्ट में कुछ पता होता है कुछ नहीं पता होता है। हाँ, एक और चीज, जैसे यूपीएससी पैटर्न में पेयर्स पूछे थे, करेक्ट इनकरेक्ट पूछे थे, तो वैसा ही फिर से भी ऐसा ही आया, तो उसी हिसाब से ही सारा चल रहा है, ठीक है। एक चैप्टर से बिल्कुल, एक चैप्टर क्या, एक बॉक्स से 5 स्टेटमेंट शंकरादेवा, वैष्णव और असम के जो हैं हमने क्लासेस में भी करा था, ठीक है, तो वहां से भी आपके डायरेक्टली बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द डिस्कशन। देखिए एक सेकेंड, okay, so this is discussion video for our HCS 2024 preliminary examination and we will start the discussion now. नंबर 1 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे लोकेशन है, क्रेस्ट की है, ये है सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन साइंस एंड टेक, ये कर्नाटका में आपका है, होसाकोटा में ही है। अब ये मुझे भी रिसर्च करने पड़े थे, इनके बारे में कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। हाँ, सेकंड वाला क्वेश्चन जरूर एनसीईआरटी में, सोलर ऑब्जर्वेटरी कोडई कैनाल, ये एनसीईआरटी में आपका दे रखा है एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया वाले चैप्टर में। थर्ड जो है रेडियो ऑब्जर्वेटरी, ये गोरीबीदूर कर्नाटका में ही है। तो ये तीनों आपके सही स्टेटमेंट है, तो ऑल 3 पेयर्स आर करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप आराम से उस कंफ्यूजन को नोट कर लें, और इन द एंड जब सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे उसको अपन ले लेंगे, और उसके बीच में भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई ऐसा ही रहता है जो बिल्कुल ही रहेगा कि मतलब हो सकता है कि हमसे कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो आप साथ में भी बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर रहेगा ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जैसे इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम, ये पीआईबी 31 अगस्त 2023 की न्यूज से इन्होंने तमारा भी लिया है और फ्लैश बोर्ड भी लिया है। उस टाइम पे ये केस स्टडी चल रही है, तमारा में इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम आपका बनाया गया है, और फ्लैश बोर्ड ये आपका वीड हार्वेस्टिंग सिस्टम में है। तो यानी ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, फ्लैशबोट वीड हार्वेस्टिंग में रहता है। अब आती है पॉइंट 2, अमरुत 2.0 हमें पता है कि अर्बन में रहता है। अब यहाँ पे ये जो है प्रिजर्विंग सरफेस ऑन द ग्राउंड वाटर बॉडीज, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट फिर भी कि मतलब अगर हम इस तरीके से मानते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, तो एक ही पेयर इसका करेक्ट है डेफिनेटली, तो आंसर ओनली 1 जाएगा। बट इसमें मैं थोड़ा सा मतलब जहां पे ये दोनों मार्क करे हैं उसमें थोड़ा सा ये है कि हो सकता है कि वो अगर उस हिसाब से जाए कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वाटर कंजर्वेशन हार्वेस्टिंग भी एक उनका मोटिव रहता है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में, तो मे बी दे कैन टेक दिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो वी कैन नॉट बी सेइंग श्योर कि इसको किस तरीके से लिया जाएगा, बट हाँ फ्लैशबॉट इज डेफिनेटली रॉन्ग, वीड हार्वेस्टिंग सिस्टम है, एंड तमारा इज एब्सोल्युटली राइट। तो इसमें हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए पंचामृत हम सब पढ़ते हैं, इंडिया का क्लाइमेट एक्शन प्लान है 5 है, ये पहले भी पूछा गया था पिछली बार, एंड मिशन लाइफ ये बार बार डाकू में भी ये सारी चीजें करी हुई हैं। बट पॉइंट आता है ये वाला क्वेश्चन अद्विका किसी ने उतना डीप में नहीं करा और नहीं पता चलता, बट ये 29 नवंबर 2023 ड्रोट टॉलरेंट एक वैरायटी आपकी डेवलप करी है चिकन पी की, ये एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट है अद्विका के नाम से। तो ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्ट हियर, तो ये तो हमें पता ही है, और ये 2 अद्विका आपका करेक्ट हो जाएगा, तो तीनों ही यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पिछली बार आपका क्वेश्चन आया था पंपा देवी का, इस बार आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है विरूपाक्ष, सेम बुक में से, सेम चैप्टर में से। तो विरूपाक्ष टेम्पल वाज बिल्ट इन 16th सेंचुरी, नहीं ये 9th और 10th सेंचुरी में इसको बनाना शुरू कर दिया गया था, एनसीईआरटी थीम्स 2 में ये दिया हुआ है। अब देखो पैविलियन जो इसके फ्रंट में है जिसको हम मंडप भी बोलते हैं, तो वो विरूपाक्ष टेम्पल में कृष्ण देवराय के टाइम पे ही बनाया गया था। यस, this is absolutely right statement, so statement 1 is incorrect but statement 2 is true। ठीक है, पंपा देवी वाले से पूछा गया था, तो 1 incorrect है ये, क्योंकि सेंचुरी देखो पिछली बार भी एक सवाल आया था जो आई थिंक सर कौन सा था वो पिंजौर गार्डन का ये बताया था, और फिदे खान ले रखा था हाँ, और उसमें एक सेंचुरी आगे कर रखी थी, सेंचुरी उन्होंने चेंज कर रखी थी, तो इस हिसाब से हमें ध्यान रखना है। तो ये 4। अब देखो विजयनगर वाला जो है वैसे भी 16th सेंचुरी, 1336 से वो शुरुआत होता है, आप देख ही सकते हैं हाँ, और लास्ट में ये रहता है। ठीक है, बट ये विरूपाक्ष बहुत उसके ऊपर बना था, तो यानी उससे पहले ही होगा, 1336 से तो पहले ही मान के चलो, अगर वो वहां पे बन रही है तो इस तरीके से थोड़ा सा हम देख सकते हैं। अब ये देखिए इस वाले क्वेश्चन से यहाँ पे 5 स्टेटमेंट पूरे के पूरे पेपर में देखने को मिलेंगे। पहला है कि भक्ति संत शंकरदेवा ये एड्रेस वैष्णव धर्मा एज भगवती धर्मा। अब आप इसको देख सकते हैं, ये थीम्स ऑफ इंडिया 3 पेज नंबर 165 बॉक्स है ब्लू कलर का, उसी में से सब कुछ दे रखा है। इनकी कंपोजिशन कीर्तन घोष एब्सोल्युटली राइट, इन्होंने वैष्णव धर्म को भगवती धर्म किया, ये भी एब्सोल्युटली राइट। असम के हैं, वैष्णवाइट हैं। ठीक है, इनके बारे में HS 75 हार्ड में भी करवाया गया था, पूरा मैप बना के हर स्टेट में कौन से थे हाँ, आराम से बताया गया बिल्कुल। एंड 15-16 सेंचुरी के आसपास के पोएट हैं ये सारे के सारे। भक्ति और जो संत वाला जो हमारा चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरा देवी वाला क्वेश्चन है, रैदास वाला क्वेश्चन है, वो भी थीम्स ऑफ इंडिया से है, और वो हमने घटना चक्कर क्योंकि एनसीईआरटी हमने बहुत अच्छे से थी, उसमें भी ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वहां से भी आपके हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ट्रू हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए अब ये वाली जो चीज है, निषाद, चर्मकार, मछुआरों, ठीक है, एंड पुक्कूज, इसका कोई भी करेक्ट आइडिया मुझे नहीं है, बट मुझे कुछ पढ़ा याद आ रहा है कि निषाद और चर्मकार और ये मछुआरा जो है, ये कहीं किसी भी एनसीईआरटी में आई डोंट नो कि कहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बट हल्का सा याद आ रहा, बट इसका आंसर मतलब कोई भी करेक्ट आइडिया नहीं है कि क्या होगा, बट ठीक है, तो इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं, वहां से जो भी आएगा वो हम देख सकते हैं। बट जो मछुआरा है उसमें कैवर्थ जो है वो बिल्कुल ठीक है, बट सी के साथ 3 में आपका बी और डी दोनों ही आपके जाते हैं, और यहाँ पे अगर किसी को आइडिया है तो आप बता सकते हैं कि उसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसका हमें नहीं पता कि कौन सी एनसीईआरटी में ये दिया गया है, वी आर नॉट श्योर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब पड़क्कल, ठीक है, पड़क्कल कर्नाटक, बीजापुर ये करवाया हुआ है, बट बाकी जो है जैसे जोगलथम्बी ये इंस्क्रिप्शंस हैं, देवभरंग, देवास्त्र। अब देखो यहाँ पे हम जैसे ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन में है आंध्रा, बिहार एंड महाराष्ट्र। अब देव अब थोड़ा सा क्या है कि अगर सारी चीजें पढ़ भी नहीं रखी, मान लो डी को आपने मैच किया 2 के साथ, तो यहाँ पे डी का टू 50-50 में हम जाते हैं। तो ए का बचा 1 और 4 हाँ, तो ए के देखो बिहार और नासिक। अब आपको देखने में लगेगा कि भाई जोगलथम्बी जो है क्या बिहार में ऐसी लोकेशन हो सकती है, तो अगेन इट इज अ रिस्की थिंग। 50-50 में आप रिस्क ले सकते हो, बट जिसको पता है वो डायरेक्टली भी मार्क कर सकता है। बट जब मैंने इसमें रिसर्च करी तो jackland.com वहां पे ये चार लोकेशन दे रखी थी, बट वो तो रिसर्च करने पे कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। बट क्या हमें वो प्रिपेयर करने की आवश्यकता है? सो आंसर इज नो, ठीक है। हाँ, रियल टाइम में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, पडक्कल हम पढ़ते हैं, पडक्कल इज कर्नाटक, ये सब लोग पढ़ते हैं, बट जोगलथंबी भी पढ़ा होगा, इन दोनों के बारे में हो सकता है सुना हो ना सुना हो, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है जिनके हिसाब से इसको मार्क किया जा सकता है। तो आंसर विल बी A का 1 और D का 2 और बाकी अपने आप मैच हो जाएंगे। तो पडक्कल बीजापुर के साथ हो रही है, ठीक है। तो आंसर इज D। अब हम आते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे पुराण जो है उनमें सतवाहनास को आंध्र भृत्य और आंध्र जात्या के नाम से बोला जाता था, एब्सोल्युटली राइट। हिस्ट्री ऑफ सतवाहना स्पेशली फाउंड इन विष्णु एंड भगवत पुराण। अब नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि मत्स्य पुराण में सबसे ज्यादा इनकी हिस्ट्री के बारे में आपका बताया गया है और थोड़ा सा मेंशन इनके बारे में भी है। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा दोनों में मार्क किया है बिकॉज यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है। अब HPSC के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो स्पेशली में मत्स्य को लेगा या फिर इनको डेफिनेटली इनमें भी मिलता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। बट अगेन स्पेशली की वजह से क्या आंसर जाएगा वी डोंट नो, ठीक है। नाउ नेम ऑफ मोर देन 100 किंग्स, वैसे तो 350 साल की डायनेस्टी यहाँ पे मेंशन है, मेजरली 4 किंग्स के नाम यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। बट अगेन इसके बारे में आई एम नॉट श्योर कि 100 किंग किस तरीके से जाएगा, वो फाइनल आंसर की से ही हमें पता चलेगा। बट अगर हम इसको देखते भी हैं तो मे बी अब यहाँ पे 1, 2, 3 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता कि इस क्वेश्चन का एब्सोल्यूट आंसर क्या आएगा। बट हाँ, स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्यूटली ट्रू, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे सही भी है और स्पेशल की वजह से ऊपर नीचे हो भी सकता है, और 3rd की एक्सप्लेनेशन आपको कर दी गई है और बाकी देखेंगे फाइनल। अभी के हिसाब से ऑल 3 स्टेटमेंट भी करेक्ट ले सकते हैं या फिर 2 भी आंसर जा सकता है, तो B और C में से कोई आंसर इसका हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये कबीर ग्रंथावली इज रिलेटेड टू दादूपंथीज ऑफ राजस्थान, ये थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 2 पेज नंबर 161, एनसीईआरटी बैच में भी ये करवाया हुआ है। मीरा के टीचर रविदास थे, ही वॉज अ वीवर। अब देखो ये हमने करा था कि भाई जो रविदास हैं वो कोबलर थे, ठीक है। नामदेव हैं, सॉरी वीवर कौन थे? वीवर आपके कबीर थे, ठीक है। नामदेव, नाम पीछे लिखा हुआ है टी शर्ट के, तो वो क्या थे? टेलर थे। अब ये सारी चीजें करी हुई थी और ये डायरेक्टली लाइन भी है, मलिक मोहम्मद जैसी प्रोमोटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेयर हॉल लाइक नामगढ़। नो, नामगढ़ किसके थे? वो अगेन शंकरदेवा, तो उन्हीं की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है नामगढ़ प्रेयर हॉल असम के थे, शंकरदेवा के, पेज नंबर 165, अगेन थीम्स ऑफ इंडिया। यानी एक चीज समझिए, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की थीम्स की, ठीक है, आर्ट्स की प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब HCS एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है, स्टैंडर्ड बुक बेस्ड हो चुका है, PIB बेस्ड हो चुका है, एंड नेक्स्ट ईयर 2025 में जब पेपर होगा तो डेफिनेटली यू विल सी कि पेपर इसी पैटर्न पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी गलत, ये भी गलत, तो ओनली 1 स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे यही लिखा है हाउ मेनी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे क्या कंफ्यूजन आएगा वो भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए आरम एकोसर, अब जिन्होंने पुरानी वाली क्लास अटेंड करी होगी, तो अब ये वैसे सारे के सारे तो हम नहीं कर सकते। आरम एकोसर आपका नारनौल में है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। नारनौल की हमने बहुत सारी करी थी बट ये हमने नहीं करा था, ठीक है। भाई की बावली महम रोहतक में है, दिस इज राइट, अब ये भी हमने नहीं करा था। बट हाँ, टॉम्ब ऑफ शेख तैयब कैथल में है और ये आपका राउडी में पेज नंबर 209 पे भी आपका दिया हुआ है। तो भाई की बावली आपका, सॉरी, रोहतक में नहीं है, ये कैथल में है, तो यहाँ पे ये भी, तो भाई की बावली और ये, ठीक है। ये मुझे ध्यान भी नहीं है कि बट ये एब्सोल्युटली नहीं करा था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आरम एकोसर और टॉम्ब ऑफ शेख, सो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे एक चीज आ रही है, भूमिया और खेरा, इनके बारे में आपको बताना है। ये प्रोफेसर सरोज रवि, उनका सरोज रानी, सॉरी, उनका एक ब्लॉग था या फिर उन्होंने कुछ लिख रखा था, ठीक है, उस पे ये मिला है, उस पे लाइन बाय लाइन दिया हुआ है कि भूमिया और खेरा, किसी ने बहुत डीप में हरियाणा जीके पढ़ रखे होगी तो डेफिनेटली दे कुड हैव डन इट, बट उतना भी नहीं है इसमें। देखिए, इट इज द गॉड ऑफ होमस्टेड, यस एब्सोल्युटली राइट। इट इज वर्शिप्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर द मैरिज इनको वर्शिप किया जाता है। एक्चुअली ये जाते हैं वहां पे, ठीक है, भूमिया खेरा वहां पे शादी के बाद पूजने जाते हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे ध्यान आ रहा है पुराना पढ़ाया हुआ, क्योंकि मैंने अपने मामा के बेटे की शादी में वैसे कुछ देखा था, बट ये स्टैंडर्ड बुक्स में कहाँ पे मिल रहा है कहाँ पे नहीं मिल रहा है आई हैव नो आइडिया, ठीक है। फर्स्ट मिल्क ऑफ काउ और बफेलो, ठीक है, इज ऑलवेज ऑफर्ड टू भूमिया. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. तो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 2 इज राइट, 3 इज राइट, 2 इज गलत. ठीक है, तो हमारी 2 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये आ जाएगा 11 का आंसर. ठीक है, अब ये हमारी लैंग्वेज के हैं. घेटी सबको पता ही है, घेटी अपनी गर्दन होती है, तो उससे पूछा है. नोरा सबको पता है. तो एक अब देखो ये वाला पैटर्न कंटिन्यूड है कि अगर एक को मैच कर रहे हैं तो हमारा अगला बी जो आंसर है वो मिल जाता है. ठीक है, जैसे घेटी है, घेटी का 3 आया. ठीक है, तो ए का थ्री 2 1 2, तो ए का 3 सिर्फ एक नहीं मिल रहा है, तो आप सिर्फ मैच करेंगे तो भी हो जाएगा. ठीक है, 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट. मजिद किस में बता रहे हो, इसमें भूमिया वाले में? इसमें सर जैसे हिंदी पढ़ेंगे ना, विवाह के समय इन जनरल हो सकता है, स्पेशली ले भी ले कि विवाह के समय ही तो हो रहा है, विवाह से रिलेटेड करके. बट एक बार जिस भी क्वेश्चन में आप अगर डाउट डाल रहे हैं ना, तो उसमें नंबर जरूर डालना है. ठीक है मंजित, और बाकी भी अगर कोई भी ऐसा डाउट डाल रहे हैं तो उस हिसाब से डालो. साथ साथ आप अपना मार्क भी कर सकते हो कि मेरा करेक्ट था या इनकरेक्ट था, एक हमें अंदाजा भी रह सकता है. अब देखो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर, क्योंकि पिछले पैटर्न को भी देखते हुए और अभी को देखते हुए, जिस हिसाब से वो गलत कराते हैं और जिस हिसाब के वर्ड पिक करे जाते हैं गलत कराने के लिए, सो दिस इज वन ऑफ दोज वर्ड्स कि एट द टाइम. इट इज नॉट एट द टाइम, इट इज आफ्टर द मैरिज. ठीक है, तो आफ्टर लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से हम इसको देख रहे हैं, बाकी बाद में देखेंगे. ठीक है, चलो अगर करेक्ट भी लिया जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है. अब इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, जैसा भी आंसर रहेगा उसके हिसाब से देख लें. 12 का सिंपल इससे आंसर हो रहा है आपका बी. आप देखो राग रागिनी, ये जो रहते हैं राग एक स्पेसिफिक मोड और इसमें रहते हैं, हर एक के साथ छह फीमेल रहती हैं जिनको रागिनी बोला जाता है. यस, एंड रागमाला पेंटिंग्स पिक्टोरियल इंटरप्रिटेशन है राग और रागिनी की. ये आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी एंड इंट्रोडक्शन टू द इंडिया पार्ट 2 और उसमें पेज नंबर 13 पे आपका दिया हुआ है राजस्थान की, उसमें रागमाला के बारे में हम सब पढ़ते हैं. ठीक है, रागों को ही इसमें बताया जाता है और राग के साथ हर एक में 6 रागिनीज होती हैं और 6 ही हमारे मेजर राग होते हैं, तो 6 और 36 के आसपास ये पाई जाते हैं. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आदित्य एलोन. ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन है, कहीं कहीं से डिस्क्रीट अगर हम कुछ भी कर लेते हैं तो चांसेस इस क्वेश्चन के ठीक होने के एब्सोल्युटली निल हैं. क्यों? जैसे आदित्य एलोन स्पेस ऑब्जर्वेटरी विद 9 पेलोड, नहीं यहाँ पे 7 होते हैं. ये स्टेटमेंट आई थिंक आपको पता होना चाहिए. जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था नाविक का IRNSS, उसमें 7 सैटेलाइट्स हैं जिसमें से 4 आपके जियो सिंक्रोनस होते हैं और 3 जियो स्टेशनरी होते थे. तो इस टाइप की स्टेटमेंट यूपीएससी में भी पूछी गई है और यहाँ पे इसलिए अब इन्होंने देखो 7 को कर दिया 9, तो ये तो होगी गलत. ये हमने सितंबर 2030, ठीक है, पेज नंबर 45 डाकू में आपका किया हुआ है, ये तो हो गया. VLC विल टेक इमेज ऑफ द सन एटमोस्फेयर कोरोना, यस, कोरोना के लिए ही ये गया हुआ है, तो आप इसको इससे लिंक कर सकते हैं. बट VLC होगा क्या, बट इतना भी उसमें नहीं जाना. बट हाँ, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, ये हो गया. पॉइंट आता है इसमें, आदित्य एलेवन कैरीज एन अल्ट्रावायलेट इमेजर, यस, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हम पढ़ते हैं 4NC2, यस. बट यहाँ पे इन्होंने गलत क्या करवाया, इसमें 2 एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स मिले हैं. ठीक है, बट ये चीज हम नहीं कर सकते इतना डिटेल में, मतलब ये तक तो याद रह भी जाए 7 2, बट जिसको याद हो कि भाई 7 ये थे 2 ये थे, तो वो कर सकता है, बट अदरवाइज नहीं. बट हाँ, न्यूज में था, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से. बट इसके हिसाब से देखेंगे तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट. आंसर विल बी 8. अब देखो क्वेश्चन नंबर 15. पिछली बार भी आपसे डेल्टा पूछे गए थे, ठीक है, नाइल वाला, आई थिंक नाइगर का डेल्टा पूछा गया था. इस बार आपसे जैसे बर्डफुट डेल्टा इज वेरी वेरी फेमस, मिसिसिपी, ठीक है, और सर ने ये HS40 में भी करवाया है, मिसूरी, मिसिसिपी और मेक्सिको गल्फ में गिरते हैं, गल्फ ऑफ मेक्सिको. ठीक है, तो वो बर्डफुट डेल्टा बनता है, काफी फेमस डेल्टा है. अगर हम सिर्फ और सिर्फ बर्डफुट और मिसिसिपी को मैच करते हैं, A का 2, देखो A का 2 कहीं नहीं मिल रहा, ओनली एंड ओनली आंसर इज बी. यानी ये वाली चीज अभी भी चल रही है कि सारे पॉइंट्स ना पता होते हुए भी अगर एक भी हमें पता है तो वी कैन मार्क द आंसर. तो बर्डफुट से आप मिसिसिपी करेंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये आपका हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम आते हैं क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे मैंने प्रिपेयर किया जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था. ये राउडी में देवी रखा है, एंशिएंट बुद्धा स्तूपा आपके ब्रह्म सरोवर के पास है, ठीक है, और उसके वेस्ट में ही है. ब्रह्म सरोवर जो है वो ईस्ट में है, ये वेस्ट में है. 3 एकड़ में है और 4 मीटर की इसकी ये है. ये एक्चुअली कहाँ पे है, archaeology.haryana.nic.in. लास्ट टाइम जब हरियाणा जी के आर्यन से करवाई थी तो एक सेगमेंट हमने इसका लिया था, उसमें इसके बारे में बताया गया था. ठीक है, बट इतनी इन्फॉर्मेशन याद रहना, जिसने इस साइट से कर रखा होगा, पढ़ रखा होगा, मैंने पुराने टाइम पे बताया भी था, ठीक है, कि एक बार इस साइट को जरूर देख लेना. जिन्होंने देख रखा होगा गुड एनफ, ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। आंसर इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई 3 एकड़ का हो रही है तो वेस्ट में होगा, वो तो ईस्ट में भी हो सकता था, तो ये करेक्ट, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर विल बी बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 2019 ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया था फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक स्टेटमेंट दी हुई थी, अब यहाँ पे इन्होंने 4 स्टेटमेंट दी हैं। ये क्वेश्चन आया है पीआईबी 28 अगस्त 2023 को ये था, वैसे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो अप्रोच कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। अब यहाँ पे आपने देखा कि इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विसेज, अब आप सोचेंगे फाइनेंशियल तो एब्सोल्युटली देता है, सोशल का आगे थोड़ा सा डाउट रहेगा कि वही फाइनेंशियल सर्विसेज को हम सोशल सेक्टर में इंक्लूड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ओके अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। ओपनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ये लाइन एज इट इज दे रखी है उसमें, जो मैंने आपको बताया 28 अगस्त 2023 की पीआईबी में, तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोअर द कॉस्ट एंड द वाइडर रीच, एब्सोल्युटली राइट। ओपनिंग ऑफ ए बेसिक सेविंग अकाउंट, एक्चुअली यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपने 500 को हटाया, तो आप 3 को हटा दो, 3 गया, 2 और 4, 1 और 4, मेरे पास 2 ऑप्शन बचे कि 2 और 4 और 1 और 4, यानी 4 तो दोनों में ही है, इंडिजिनियस डेबिट कार्ड दिए जाते हैं, इट इज एब्सोल्युटली राइट। अब मुझे 1 और 2 में से कोई एक स्टेटमेंट सही या गलत करनी है। देखो पहले क्या कह रही है फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विसेज, और ये कह रही है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो बिल्कुल ठीक है कि भाई हाँ लोअर कॉस्ट और वाइड रीच करने के लिए है, एक्चुअली सोशल सर्विसेज अब वहां पे जो स्टेटमेंट दे रखी है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विस ही दे रखा है एट अफोर्डेबल कॉस्ट, सोशल सर्विसेज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत रहेगी, तो इसको हम हटा देंगे, तो आंसर विल बी 2 and 4, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 2 और 4, तो 500 को हटाएंगे और इसको हटाएंगे, तो 17। अब आते हैं 18। देखो समुद्रगुप्ता व्यग्रही पोस्चर, ये लॉयन स्टाइल का एक पोस्चर होता है, ये समुद्रगुप्त का नहीं है, ये चंद्रगुप्ता 2 का है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट इतना किसने पढ़ रखा होता है, तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से ही रहेगा। द कॉइन ऑफ अशोका गेव इंफॉर्मेशन अबाउट हिज गॉड, अब देखो अगर पता है तो कर सकते हैं, अब जैसे यहाँ पे है इंफॉर्मेशन अबाउट अश्वमेघ यज्ञ, अब यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ के कंटेक्स्ट में 2 ही आते हैं, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों के बारे में आता है, तो फाउंड इन कुमारगुप्ता कॉइंस यस एंड समुद्रगुप्ता बोथ, तो एक तो 4 अपना ठीक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि वन ऑफ द सील जो है सतवाना किंग, उसमें शिप की पिक्चर मिलती है जो कि उनका सिंबल ऑफ विक्ट्री और सी है, ये भी ठीक है। कॉइन ऑफ अशोका गेव इंफॉर्मेशन अबाउट हिज गवर्नेंस सिस्टम, उसके गवर्नेंस सिस्टम कैसा रहा कैसा नहीं रहा उसके बारे में हमें एडिक्ट्स में तो मिल जाता है, बट कॉइन्स में मिलना इज एब्सोल्युटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो ये अपना गलत है और ये भी गलत है, ये चंद्रगुप्ता। वैसे 1 का अगर आप देखेंगे तो 1 को हटा के वैसे आंसर इसका 3 और 4 है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज शिप वाला और अश्वमेघ यज्ञ वाला जो कुमारगुप्ता और समुद्रगुप्त दोनों में ही मिल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये भी आपका indianculture.gov.in में कुछ चीजें दे रखी हैं, वैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे फाइनेंस्ड एंड द बेस्ट प्रिजर्व बावली जो है वो महम की है जो कि शाहजहां की बावली है, तो वहां से ये आता है पहली चीज तो ये, ठीक है, बट क्या इतना याद रहेगा, मतलब वो एक अलग चीज है रियल टाइम एग्जाम में ना कि फाइनेंस्ड यही है क्या बेस्ट यही है क्या, बट हाँ ये लाइन दे रखी है, ठीक है। सेकंड देखिए क्वाइन जो है, ये 2 चीजें आपने पढ़ी होंगी, क्वाइन जो है लेटर योद्धा 3rd 4th सेंचुरी, ठीक है, आपके रोहतक में मिल रहे खोखरा कोट में, यस एब्सोल्युटली राइट, statement 2 is right. Statement 3, an image of Kartikeya sitting in Lalitasana on a peacock has been discovered from Khokrakot. Yes, मिली है कार्तिकेय की इमेज मिली है, ये तो हम पढ़ते हैं, बट वो जो पोजीशन है ललितासन इसके बारे में आई वाज रिसर्चिंग, क्योंकि मैं एब्सोल्युटली श्योर नहीं हो पा रहा था, कार्तिकेय तक का तो पता था बट ललितासन वाला है जिसने हरियाणा जी के बहुत ही ज्यादा डिटेल में करके वो बता सकते हैं, तो इसका आंसर अगर हम इसको ये वाला करेक्ट रहता है तो तीनों करेक्ट हो जाएंगे। और ये वैसे आपका पंजाब होशियारपुर में म्यूजियम है, वहां पे indianculture.gov.in में इसकी इंफॉर्मेशन है कि इमेज ऑफ कार्तिकेय सिटिंग इन ललितासन इज फाउंड एट पंजाब होशियारपुर, तो अगर उसके हिसाब से इसको गलत लिया जाता है तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट, और अगर वो ललितासन के बारे में आप श्योर हैं तो यू कैन कमेंट कि यस ऑल द 3, हाँ स्किप करने वाले डेफिनेटली, ठीक है कि भाई स्किप करने वाले क्वेश्चन रहते ही हैं, कुछ ना कुछ तो रहेंगे ही, ठीक है, तो उसके हिसाब से है। अब ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं, कार्तिकेय के हिसाब से देख सकते हैं, तो ऑल 3 भी आंसर जा सकता है, वो फाइनल आंसर की से रहेगा। 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि फाइनल आंसर की के हिसाब से ही देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कि भाई यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज में ऑर्डर ऑफ ईयर के हिसाब से आपको अरेंज करना है। आप जनवरी 2023 की डाकू मैगजीन उठाइए, पेज नंबर 96 मिसलेनियस वाले टॉपिक में ये सारे दे रखे हैं, विद ईयर्स दे रखे हैं, ठीक है, तो डाकू मैगजीन से ये क्वेश्चन हो रहा है, बट थोड़ा बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस रहते हैं। मैंने ईयर मेंशन कर दिए, कालबेलिया 2010 है, चैंटिंग 2012। हाँ, कुंभ मेला रिसेंटली ऐड हुआ था, अगर आपको थोड़ा सा पता है तो। चार को आप जैसे यहाँ पे लिखा है ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट, चार को सबसे लास्ट में डालो, चार लास्ट। अब हमारा आता है 2-5 तो यही है, 3 और 1 में हमें देखना है, यानी कालबेलिया और रामलीला सबसे मतलब कालबेलिया से पहले ली गई थी, तो 2008 की है, ये 2010 की, आंसर हो जाएगा 31254। अगेन काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद आना नहीं आना तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे लिस्ट 1 है, इसमें नाम दे रखे हैं और यहाँ पे ये क्रिएशंस हैं। तो कुली खान जो है उसकी है मुरक्काए दिल्ली और जहां नारा है उनकी है मुनिस अल अखलक, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए का 3। हाँ, जैसे बी का देखेंगे तो बी का 4 और सी का 1 करते ही डी आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ओके अंकुर, कोई बात नहीं, HCS ने नाश नहीं मारा, हमने मेहनत करी, हमने ट्रिक्स पढ़ी, लर्न किया। अब क्या है कि थोड़ा सा और हमारे लिए लर्निंग रहेगा कि भाई हम एक एक चीज को फोकस करें, डिटेल में भी पढ़े। अब मतलब क्लास में 70 से 80% चीजें कवर हो जाती हैं, बाकी फिर जब आप बुक पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, तभी चीजें कवर होती हैं, ठीक है। उनमें से कुछ चीज आई हैं, कुछ चीज नहीं आई हैं, दैट इज व्हाट इज पेपर इज ऑल अबाउट। सारा का सारा आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाता है। अब ये एनसीईआरटी में एज इट इज है, ये हमने ट्रिक से कराया था, ये भी वैसे देखा था, और एनसीएन में भी सर ने भी कराया हुआ है, मेरा भी करवाया हुआ है। मेलुआ आपके सिंध एरिया आईवीसी को बोला जाता था, ठीक है। और दिमुम ये बहरीन का है, ठीक है। मकरन कोस्ट है, मकान, और उर जो है वो पर्शियन गल्फ है। तो यहाँ से इस आंसर को आप कर सकते हैं, ठीक है। आंसर रहेगा डी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो यानी आपने मेलवा अगर मैच करा, सी का 1, देखिए सी का 1 दो जगह है, यानी अब आपको डी अगर पता है या फिर मकरन भी पता है, आपने मकरन भी मैच कर लिया तो भी आंसर आ जाएगा। दिनमुम हम बार बार पढ़ते हैं, बहरीन के लिए बोला जाता है। तो ये एक मतलब ऐसा डूएबल क्वेश्चन की कैटेगरी में आपका रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 ही हो गया, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये अब ये डाकू में लाइन बाय लाइन, ये मुझे याद आ गया था जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था। एक तो भारत एग्री इंफ्रा फंड, ये भाई एग्री इंफ्रा फंड बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, पहली चीज तो ये न्यूज में था 8 अगस्त 2023 की पीआईबी में ये था, ठीक है। लोंगपी पोट्री ये आपके मणिपुर की है, डाकू में अक्टूबर की मैगजीन, ठीक है। अक्टूबर मैगजीन पेज नंबर 7 में ये दोनों लोंगपी और सुलूर दोनों करवा रखे हैं। सुलूर क्या होता है, अब मुझे ध्यान भी है कि वो मैंने बताया था कि जो मतलब एनिमल्स को बुलाने के लिए ऐसे गाने वाने के लिए इस टाइप से ये रहता है, ठीक है। तो सुलूर एक्चुअली ये मिसमैच कर दिए, सुलूर आपकी छत्तीसगढ़ की है, लोंगपी हमारी मणिपुर की है। मैंने कहा था सिर्फ इतना ही याद रख लेना, ठीक है। नाम है लोंगपी, हाँ। लोंगपी से जिसने 4-5 नाम पता है ना मणिपुर की, वो आराम से लॉजिक लगा सकता था, इंटरचेंज है। और ये दोनों 11 सितंबर 2023 की पीआईबी में है, क्योंकि ट्राइफेड ने इनके कंटेक्स्ट में कुछ किया था, तो उस हिसाब से हमारा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23। दृष्टि 17 में 0 बैलेंस ही है, वो उसमें लिखा भी हुआ है, कैंप अकाउंट के टाइप का वो रहता है, तो वो वैसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, श्रेयस है, ये डाकू में भी करा था कि भाई ये गुड कोचिंग क्वालिटी, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, एससी ओबीसी माइनॉरिटीज का नहीं होता, एससी और ओबीसी का रहता है। ये 18 सितंबर 2023 की पीआईबी में था। सीलिंग जो है फैमिली में 8 लाख रहती है, यस। एससी और ओबीसी का जो रेशियो है 70-30 रहता है, और 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल इन एज कैटेगरी, दिस इज ऑल्सो राइट। द रेशियो ऑफ एससी ओबीसी माइनॉरिटीज 50-30-20, तो यहाँ पे उसका तो कोई आएगा ही नहीं क्योंकि माइनॉरिटी का है नहीं। तो 2 और 3 स्टेटमेंट आपकी ठीक है, तो आंसर विल बी सी, श्रेयस में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एरोबिक ब्रेकडाउन, एनारोबिक ब्रेकडाउन, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। एनसीईआरटी चैप्टर 6 एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी कौन सी है वो मुझे ध्यान नहीं, मेंशन करना भूल गया। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 58, ठीक है। ये आई थिंक 6 या 7 की है। तो इसमें यहाँ पे एनारोबिक में हमारे इथेनॉल भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, लैक्टिक एसिड एटीपी भी बनता है। अब यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में बनता है, एटीपी मसल्स में बनती है, और जो ईस्ट है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनता है। एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है कि ये दोनों ईस्ट से बनेंगे, ये दोनों लैक्टिक एसिड एटीपी आपके मसल से बनेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, इस बार साइंस में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टेटमेंट ऑल ऑफ द अबव के हिसाब से ही मिली हैं। जैसे ये देखो, यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे, ये भी बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, चैप्टर 6 क्लास नंबर 10th पेज नंबर 97 110 में ये इन्फॉर्मेशन आपकी दे रखी है, 210 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये नई वाली एनसीईआरटी, पुरानी वाली एनसीईआरटी में पेज नंबर डिफरेंट है बट चैप्टर यही है। तो इसमें ग्लूकोज भी, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर सारे के सारे ही रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज आंसर। हाउ मेनी स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 2 3 4। अब देखो यहां पे इन्होंने लिखा हाउ मेनी स्टेटमेंट, जबकि होना क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये गड़बड़ है थोड़ा सा, बट फिर भी यहाँ पे 1 2 3 ओनली है, 3 4 ओनली है, 4 ओनली है, तो हमें पता चल गया। बट जो क्वेश्चन है जिसमें 2 ही स्टेटमेंट दे रखी है और उसमें उन्होंने यही लिखा हुआ हाउ मेनी स्टेटमेंट, तो वहां पे कंफ्यूजन है कि 1 ओनली 2 ओनली 1 एंड 2 बोथ, और वहां पे थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 का आंसर, सॉरी 26 का आंसर भी ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, take a few drop of onion drop, dilute vanilla essence and clove oil in 3 different test tube. ये है class 10th activity 2.2 chapter number 2। वहां से ये क्वेश्चन बनाया है। एक्चुअली इन सब में आपका एसिडिक नेचर होता है और बेस के साथ ऐड करने के बाद हमारे ये न्यूट्रल हो जाते हैं, बट एसिड के साथ एक्ट करने के बाद ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। तो देखिए, इनकी स्मेल में, कलर में वैसे चेंज नहीं होता बट स्मेल में, स्मेल ऑफ ऑनियन वैनिशेस अपॉन एडिशन ऑफ एनएच, यस, क्योंकि बेस ऐड हुआ। हाउएवर परसिस्ट ऑन एचसीएल, यस, सब एचसीएल, सब में यही कंसेप्ट लगेगा। स्मेल ऑफ वैनिला लॉस्ट अपॉन एचसीएल, नो, क्योंकि वो भी सेम है अनियन की तरह। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल इज लॉस्ट अपॉन एनएच, सेम है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो 1 और 3 आपके ठीक है। हाउ मेनी इज करेक्ट? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 27 का आंसर हो जाएगा 2 स्टेटमेंट। अब देखो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पीएच ऑफ रेन वाटर 5.6 के आसपास होती है, इन द रेंज ऑफ 6 to 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एसिड रेन कहने के लिए 5.6 और उससे नीचे ही हम मानते हैं, ये लिखा हुआ है उसमें। टूथ इनेमल जो है वो एसिडिक में आपका डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। यहाँ लिखा है पीएच ऑफ माउथ इज ग्रेटर देन 7। नॉर्मल पीएच भी हमारे माउथ की जो है 7.4 के आसपास रहती है, एल्कलाइन ही होता है। ठीक है, बट यहाँ पे एसिडिक जब ज्यादा हो जाता है तभी होता है। तो यानी स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ये एसिडिक होना चाहिए। स्टेटमेंट 3, अंडर एसिडिक कंडीशन फार्मर वुड यूज सोयल विद क्विकलाइम, क्योंकि CaOH, तो ये बेसिक नेचर का रहेगा, तो ये इसको न्यूट्रल कर देगा। दिस स्टेटमेंट इज राइट। तो यहाँ पे ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 28 का, ओनली 1 स्टेटमेंट। अब देखो 29 डायबिटीज, ये भी एनसीईआरटी के हिसाब से ही रहेंगे। यहाँ पे इंसुलिन का दिया हुआ है, इट इज कॉज्ड बाय ओवर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, नो, अंडर सिक्रेशन, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है कि यस, क्योंकि इंसुलिन हमें उसमें हेल्प करता है ग्लूकोज को यूटिलाइज करने में, तो ये इंक्रीज हो जाता है। पेशेंट यूरिनेट्स, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। यूरिनेट्स फ्रीक्वेंटली, तो उसकी वजह से ग्लूकोज लूज हो जाता है, तो वेट लूज भी करता है। एंड बिकम लेथार्जिक, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं रहती। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग। तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट डायबिटीज वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ब्लड आर्टरीज आर थिक एंड रिजिड, वेन छोटी होती है, कोलेप्सिबल होती है, पतली होती है, वॉल होते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडीज, एब्सोल्युटली राइट। अंडर हाई प्रेशर होता है, इसीलिए ये थिक और रिजिड होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब हो सकता है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं कि डू नॉट कंफ्यूज विद ऑल, कि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। जर्नल स्टेटमेंट में आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट, तो ये जर्नल वे में अगर हम देखते हैं तो एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 30 का आंसर ए होगा। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं 31st। देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, 31 32 33, अब डीपीएसपी से ही 3 क्वेश्चन आपके आगे, और वो भी आर्टिकल के हिसाब से। इतने ज्यादा डीप में कुछ याद आएगा, कुछ याद नहीं आएगा, कुछ गलत हो जाएगा, तो दैट हैपेंस विद ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। ठीक है, अब देखिए, इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड 39A हम बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 36 जो है उसमें स्टेटमेंट है कि भाई स्टेट फॉर डीपीएसपी, देखो 12 में भी है स्टेट फॉर फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज स्टेट, और जो कि 12 भर्ती 36 में क्या है, व्हाट इज स्टेट फॉर डीपीएसपी, तो ये हो गया गलत। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव 43B में आए थे आपके। ठीक है, ये एब्सोल्युटली राइट, और वर्कर्स जो है वो 43A में है। तो जिसने ढंग से याद कर रखा होगा कि वर्कर्स और कोऑपरेशन 43A B, तो 2 पेयर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो 2 पेयर इसका हो जाएगा 31st का। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अब सेम वही राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये 39 में आते हैं। 39A हमारा क्या था, फ्री लीगल एड। ठीक है, तो फ्री लीगल एड में हो जाएगा। अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है डी में, चौथे नंबर पे आने के बाद इक्वल पे हुई थी, और राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस है आर्टिकल 41 में, ठीक है। यहाँ पे 39E दे रखा है, 39E में हेल्थ के बारे में बात करी गई है, तो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस आर्टिकल 41, तो ओनली वन पेयर इज करेक्ट। अगेन वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है, उतना नहीं याद रहता। अब देखिए एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, इनकी बात करी गई है आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 45 बात करता है चिल्ड्रन की, ठीक है, तो 45 है 45 और वो उसमें आता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर, ये 46, ये एब्सोल्युटली राइट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ये 48 में है आपका, 48 में, 47 में नहीं है, 47 में है रेजिंग द न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हमारा करेक्ट है, ओनली वन पेयर इज राइट, तो ये रहेगा, ठीक है, 33 का 1 पेयर। अब थोड़े से इजी और डूएबल क्वेश्चन है, ये आपको करवाए हुए हैं। देखो 26 में आपके प्राइमरी पर्स एबोलिश हुए थे, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, और इसी का प्राइमरी पर्स का एक और क्वेश्चन भी आएगा, वो भी एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। अब देखो 52 हमने बार बार किया है, एंटी डिफेक्शन लॉ 10, 86वां अमेंडमेंट हमने बार बार किया है, राइट टू एजुकेशन, 103, 3 में 3 डंडे हैं, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ई में भी 3 डंडे हैं, तो ई में रिजर्वेशन फॉर AWS, तो इसको मैच करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा A, ठीक है, A का 3, B का 4, C का 2, D का 1, इस हिसाब से इसको आप कर लेंगे। ये एक इजी क्वेश्चन रहेगा, ऐसे गलत नहीं करना। ये हमने 75 हार्ड में भी, खलास में भी किया था, और इकोनॉमी में भी 75 हार्ड में ये करवाया था। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां पे पेमेंट कैन बी मेड विदाउट द नो, कंसोलिडेटेड फंड में आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। Contingency Fund of India held by Financial Secretary on the behalf of President, absolutely right. Public Account, Executive Record, ये उल्टा कर दिया, ठीक है, तो ये अगेन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट ये उल्टा हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ 1 पेयर इज करेक्ट, ठीक है। 39A लाइवलीहुड, ओके भारती, राइट टू एजुकेट मीन्स एंड लाइवलीहुड, तो वो ठीक है, तो ए में ही वो मेंशन है, तो इसका आंसर हमारा कर लेंगे फिर 32 में करेक्शन, तो आपके 2 पेयर्स आर करेक्ट, ठीक है, 32 ये हो गया, ये हो गया। अगला हमारा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 36, ये भी आपका एनसीईआरटी में से ही है। ये क्या बोल रहा है, ऑक्सिन, जिबरलिन, ये सारे आपके साइंस मैराथन में भी करवा रखे हैं। ऑक्सिन, जिबरलिन, जी फॉर ग्रोथ, साइटोकाइनिन, ये तीनों ग्रोथ के लिए होता है। एब्सिसिक एसिड हमारा इनहिबिटर होता है, तो ये उल्टा हो गया, ठीक है। अब 4 को हटा दो, 4 को हटाया तो ये गया पहले, तो ठीक है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 1 2 3, क्योंकि तीनों ही करेक्ट है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 2 3 आंसर इज बी 36 का। 37 अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दोनों लाइन एनसीईआरटी में है। लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की डिफर करती है अलग अलग में, डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे इट, एब्सोल्युटली यस। हर्बीवोर नीड अ लॉन्गर बिकॉज़ दे अलाउ सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th, अगेन जो हमने देखा था चैप्टर नंबर 6, तो लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 37 अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38, एल्कलाई इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, एब्सोल्युटली यस, ठीक है, एल्कलाई बेस ही होते हैं आपके। CaOH इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एल्कलाई, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एल्कलाई। लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे एल्कलाई के ही एग्जांपल होते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ बेस इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हम डिसॉल्व किसी को भी करें, एसिड को भी करें या फिर बेस को भी करें, बोथ आर हमारे उसी के हिसाब से ही रहते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती हैं, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपकी, तो करेक्ट हो जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं पुलकित, जितना कराया है उतना कर लिया तो ठीक है, और नहीं कराया तो कोई बात नहीं, अगली बार करा देंगे। देखो 38 हो गया है, 39th। अब यहाँ पे एसिड लेफ्ट बाय बी स्टिंग ऑफ हनी बी, ये आपका फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, ये मैराथन में भी कराया हुआ है। एटमोस्फेयर ऑफ वीनस, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वहां पे H2SO4 होता है, बट अगेन ये क्लास 12 की केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में है। फिर एंट एसिड जो है वो मेथनोइक एसिड है, ये भी फॉर्मिक एसिड है, ये करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि HCl गलत है हमारा, तो एटमोस्फेयर वीनस इज करेक्ट। एंट एसिड इज करेक्ट, तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली टू पेयर्स आर मैचिंग, 39 का ओनली टू पेयर। अब हम आते हैं 40 में। देखो क्वेश्चन नंबर 40 सिंपल सा ही है कि हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज क्लीन ऑटोमोबाइल फ्यूल फॉर द फ्यूचर, ऐसा तो हम सब जानते हैं। नंबर 2, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका हीलियम आता है, तो ये भी करेक्ट है। बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी? नो। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? बी, इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये वाली भी ठीक है, ये वाली भी ठीक है, तो 40 का आंसर आपका हो जाएगा बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41, ये आपका पिछली बार जो सवाल आया था यार्न टू फाइबर, देखिए यहाँ पे क्लास 6 का जो चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, इसी चैप्टर में से पिछली बार भी यही चीजें इन्होंने पूछी हुई थी, स्पिनिंग, वीविंग और ये सब वो सब। इस बार इन्होंने गिनिंग, वीविंग और पॉलिस्टर के बारे में पूछा, ये तीनों स्टेटमेंट दे रखी है। गिनिंग इज सेपरेशन ऑफ द क्वार्टर फाइबर फ्रॉम द सीड, यस। वीविंग क्या होता है? यार्न से फैब्रिक बनाना, ठीक है, और फाइबर से यार्न बनाना होता है हमारा स्पिनिंग, ठीक है, तो ये गलत है। पॉलिस्टर मेल्ट होता है कैचिंग द फायर और बॉडी से स्टिक हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, गिनिंग एंड पॉलिस्टर, तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, ओनली टू पेयर्स। अब देखो 42, अब यहाँ पे आर्टिकल 62, ये हमारे प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेट है क्या, तो ये हो गया बिल्कुल गलत, ठीक है। आर्टिकल 65 अगेन इन्होंने दे रखा है कि इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे इलेक्शन के कंटेक्स्ट में नहीं होता, ये होता है वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखिए टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वो 56 में दी हुई है और यहाँ लिखा है 59 बताता है कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होगा ये सब वो सब। बट अगेन ये बहुत ही ज्यादा मतलब डिफिकल्ट रहेगा कि भाई सारी चीजें आपको पता हो कि हाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे नन ऑफ द पेयर मैचेस, तो आंसर इज 42D। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, 138A, 139A, 144A, 138A एनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, इसके बारे में रिसर्च मैंने अपने एंड पे कर ली है, तो ये तीनों ही चीजें ठीक मिल रही है। जैसे 39 और 39A में कंफ्यूजन से चल रहा है, वैसे ही यहाँ पे उसमें चलेगा कि कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पावर इशूइंग सर्टेन रिट्स, ठीक है। 139A यहाँ पे ये ट्रांसफर ऑफ द केसेस के कंटेक्स्ट में भी होता है, रिट्स के कंटेक्स्ट में भी होता है। सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी जो एड करती है वो 144A के कंटेक्स्ट में रहता है, तो ऑल थ्री विल बी करेक्ट, तो इसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएटली ऑल थ्री पेयर्स रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। देखिए ये अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डेंगी आपका मॉस्क्यूटो, अब यहाँ पे कोज्ड बाय मॉस्क्यूटो है, वायरल डिजीज है, तो कोज में आपको डिफरेंट रखना है, ये फैलाने के लिए काम आता है। अब यहाँ पे देखो कोज बाय बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको क्या कहा था, आप वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एटलीस्ट इतना ही ध्यान रखो। तो टाइफाइड क्या है? सैल्मोनेला टाइफी, तो यहाँ पे कोज बाय बैक्टीरिया, ये ठीक है। एंड स्प्रेड्स थ्रू वाटर एंड फूड, यस ये भी ठीक है। डेंगू कोज बाय मॉस्किटो, तो गलत करो, ठीक है। रिंगवर्म कोज बाय फंगस, ठीक है, यस। एंड स्प्रेड थ्रू वर्म, रिंगवर्म के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये रहता है, ना कि इसका कोई भी रिलेशन वर्म से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो डेंगू भी करेक्ट इनकरेक्ट है, रिंग वर्म भी इनकरेक्ट है, तो टाइफाइड आपका ठीक है, ओनली वन पेयर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हाँ ये भी एनसीईआरटी में दिया है, इफेक्ट ऑफ आंट बाइट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग कैलामाइन सॉल्यूशन, यस, क्योंकि उसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट जो कि बेसिक नेचर में होता है, सो इट एक्सप्लेन्स करेक्टली आल्सो, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब ये देखिए 46, प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, वैक्स कौन लगाता है, गाड़ी पे वैक्स लगाते हैं या वैक्स जेल लगा के, प्रदीप सर की जो ट्रिक थी कि भाई गाड़ी के शीशे में देख रहे हैं तो वैक्स लगता है गाड़ी पे, ये उल्टा कर रखा है। रियर व्यू मिरर इन व्हीकल क्या होता है, कॉन्वेक्स, और डेंटिस्ट क्या यूज करता है, कॉनकेव, जो कि प्लेन मिरर में इमेज आपकी सेम साइज की रहती है, बिल्कुल सही, तो ये हो गया ए, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब HS40 इनमें भी अपन ने कर रखा है, बट अब इस कुछ जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उसमें कौन से चैप्टर में, क्या चैप्टर में, वो उतना इंक्लूड नहीं किया। जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें ही ये बताया गया है कि यस उनमें कौन से चैप्टर से वो पूछा गया है, ठीक है। अब देखो क्विक लाइम सीमेंट बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉयज बनाते हैं, स्लैग लाइम सोप के लिए होता है क्या, नो, स्लैग लाइम की जगह सोडियम कार्बोनेट आपका सोप के लिए यूज किया जाता है, स्लैग लाइम और ये क्विक लाइम उधर की तरफ हो जाएंगे, ठीक है, तो सोप से इसका कोई लेना देना नहीं है, ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट, अगेन एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है 47। अब देखिए 48, ये रिफ्लेक्स आर्च एनसीईआरटी स्पाइनल कॉर्ड से लेके देखिए आपने फ्लेम को टच किया या हॉट बॉडी को टच किया तो उसमें ये हम देखते हैं जैसे ही टच किया यहाँ से क्या जाता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, ब्रेन जाएगा और उसके बाद एकदम से आप अपना हाथ हटाएंगे तो ये सारी चीजें हमारे इसमें काम करती है, स्पाइनल, मोटर, ब्रेन, सेंसरी, ऑल। आप एक चीज देख रहे हैं अभी, देखो अगली बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे 1 2 3 4 आ रहे हैं साइंस में, ठीक है, बट ऐसा बार बार नहीं देखने को मिलेगा। अब ये देखिए एड्रेनालिन, ये भी एनसीईआरटी में आसपास दिया है, एड्रेनालिन में सब कुछ बढ़ जाता है, दिल की धड़कन, डर लगता है ना, फियर फाइट हार्मोन होता है, डर लगता है, इंक्रीज इन द हार्ट रेट, यस, मोर ऑक्सीजन टू द ब्लड मसल्स क्योंकि हमें भागना पड़ेगा वहां से, इंक्रीज सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द डाइजेस्टिव, नो, डाइजेशन से ब्लड लाके मसल्स को देना पड़ता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में उतनी सप्लाई ज्यादा नहीं होती। नेक्स्ट है कि ब्रीदिंग रेट डिक्लाइंस, तो यहाँ पे ब्रीदिंग रेट भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी यूज होती है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 और 2, तो इंक्रीज द हार्ट रेट एंड सेकंड मोर ऑक्सीजन, यस हिमांशु, ब्रेन इज नॉट यूज्ड, आई थिंक यू आर राइट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, स्पाइनल आर्च में ब्रेन यूज नहीं होता है, 1 टू 4, ठीक है, ब्रेन को हम नहीं लेते क्योंकि वो उसी हिसाब से तुरंत प्रभाव से सीधा स्पाइनल कॉर्ड से ही लेके आते हैं, ठीक है। इसको एक बार और थोड़ा देख लेंगे बट अभी के हिसाब से आई थिंक हिमांशु इज राइट, ब्रेन नहीं आएगा तो स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो इतना सब कुछ हम भी पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा, बट स्टिल दिमाग किसी और तरीके से ही काम करता है पेपर के टाइम पे। जयेश, पूरी बॉडी में इंक्रीज नहीं हो सकती, मसल मतलब आप ब्लड कहां से लाएंगे इतना, तो वो उस हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया है 48 का आंसर आपका हो जाएगा 1 टू 4, तो इसको करेक्ट करेंगे, ये हो गया है। अगला हमारा क्या आ रहा है, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, अब ये आपका लिया गया है 7 जुलाई 2023 की पीआईबी से। अब ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इट इज रिलीज्ड बाय व्हाट, ये यूएनईएससीएपी रिलीज करता है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ओवरऑल स्कोर जो इंडिया का है, इट हैज बीन ग्रेटर देन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज, ये लाइन भी पीआईबी में एग्जैक्टली दे रखी है, ये भी दे रखी है। इट इज अ बाय एनुअल सर्वे दैट डील्स विद ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर टेकन कलेक्टिवली बाय द डब्ल्यूटीओ मेंबर, ये एवरी 2 ईयर्स होता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या चीज है, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहां पे लिखा हाउ मैनी स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट, अब ये होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन करेक्ट, इसमें ऑप्शन दे दी 1 ओनली, जबकि इन्होंने बाकी जगह ये लिखा हुआ है only 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, only 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, only 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, all 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट यहाँ पे लिखा है 1 ओनली 2 ओनली ऑल 1 2 3। अब इसकी सेंस क्या ये लेके चलेंगे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि 2 तो करेक्ट है बट अगर हम हाउ मैनी में जाते हैं तो आंसर हो जाएगा 1 ओनली, बट अगर हम इसको हाउ मैनी ना लेके विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग लेते हैं तो आंसर हो जाएगा 2 ओनली, ठीक है। तो इसमें एक ये कंफ्यूजन है, इसका भी हम नहीं कह सकते कि क्या करेगा, ठीक है। ब्रीदिंग रेट डिक्रीज नहीं होगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा, हमने वही कहा है, ठीक है, इसको काटा है, ब्रीदिंग रेट डिक्लाइंस, तो आंसर इज 1 और 2, ओके हेमंत। देखिए ओके गौरव, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन है, इसको फाइनल आंसर किए आने के बाद ही आपका वो रहेगा। अब देखो कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, अभी क्योंकि कॉर्पोरेट डेट मार्केट को डेवलप करने के लिए बॉन्ड वगैरह इशू करने के लिए बार बार बातें हो रही थी, ये 28 जुलाई की पीआईबी में दे रखा है। क्या ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है? एब्सोल्युटली राइट। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड शैल बी मैंडेटरी, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन रहेंगे, मैंडेटरी वाली लाइन वहां पर नहीं है। दे कैन और दे कैन नॉट फॉर स्पेसिफाइड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में वो कर सकते हैं एंड एसेट मैनेजमेंट, तो ये मैंडेटरी हट जाएगा। इनिशियली इट विल बी एस्टैब्लिश फॉर, ये 15 साल के लिए इनिशियली बनाया गया है तो 5 ईयर गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे अगेन क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो ये 1 ओनली भी आंसर जा रहा है और 1 ओनली भी जा रहा है, तो दोनों में ही जा रहा है, बट हाउ मेनी में भी वो हो जाएगा ऊपर वाले में, बट कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, अब देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इट हैज फ्लक्चुएटेड ड्रास्टिकली इन द पास्ट डेकेड। अब डेकेड के हिसाब से देखें तो उतना वो नहीं है, बट हाँ मतलब पास्ट ईयर और उसके हिसाब से देखते हैं तो ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है, दैट इज वन थिंग। सेकंड है कि 2022-23 में नेट एफपीआई इन इंडिया वाज लेस देन 1%, ये अराउंड 1.79% के आसपास थी जहां तक मैं इसको रिसर्च कर पाया। तो इसमें ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, और फेमा जो है इसको प्राइमरली लेजिस्लेट करता है, ये ठीक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो अब यहाँ पे इसकी सेंस बन रही है क्योंकि इन्होंने 3 ओनली भी नहीं दे रखा, ओनली 1, 2। हाउ मेनी में देखेंगे तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 1 इज द आंसर, ओनली 1। अब देखो 53, ये आपके HS40 में सर ने भी करवाया था, माइका माइंस, ठीक है, नीलोर, और ये मैप वाले वीडियो में भी करवाया हुआ है। बॉक्साइट माइंस कहाँ है, अमरकंटक प्लेटू, इन दो को भी अगर हम मैच करते हैं तो हमारा आंसर निकल जाता है। तो आयरन माइंस हमारी कहाँ रहेंगी, गोवा, नोमुंडी, एंड कॉपर माइंस हमारी कहाँ है आपकी, बालाघाट, ठीक है, और बॉक्साइट माइंस कहाँ है, अमरकंटक, माइका माइंस कहाँ है, नेल्लोर। ये काफी फेमस जगह है माइका माइंस, और ये तो 53 का आंसर हो जाएगा सी। 54, ये एनसीईआरटी का अगेन क्वेश्चन है, देखो कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट आर नॉन फेरस, ठीक है, ये एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पे बॉक्साइट में कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, बट दिस इज एब्सोल्युटली राइट। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, माइका आर फेरस, माइका जो है वो नॉन फेरस होता है। तो अब इतना डीप में पता है तो गुड एनफ, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये अगेन यहाँ पे ये 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। पोटाश, मार्बल, ग्रेनाइट, दे आर नॉन मेटेलिक नेचर, यस हमें पता ही है, ये तो इनमें तो कोई मेटल है ही नहीं। ठीक है, निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनियम और प्रेशियस, देखो निकल और कोबाल्ट तो अबंडेंटली मिलते हैं, प्रेशियस कम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तो एलिमिनेट हो गया, 4 को हटा दो, 4 गया, 2, 3 और 1 और 3, यानी 3 तो दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में है। अब इन दोनों में से तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट नॉन फेरस है, या फिर आपको ये पता हो कि माइका भी नॉन फेरस है, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आंसर इज 1 एंड 3, 54 का 1 एंड 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55, देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, ये सारे के सारे आपको करवाए हुए हैं। वेल्ड्स कहाँ है, साउथ अफ्रीका। पंपास, प्रेरीज, ठीक है, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका। पंपास और कैंपोस ये दोनों साउथ अफ्रीका में ही मिलते हैं, बट हम डायरेक्टली जो लिंक करते हैं पंपास को वो किससे लिंक करते हैं, ब्राजील के साथ। ठीक है, सॉरी कैंपोस को, बी का 4, ठीक है। तो पंपास आपका साउथ अमेरिका के साथ आपको मैच करना है, और सी का 1 ब्राजील के साथ आपको मैच करना है। मेरी तरफ से ये आंसर रहेगा डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पंपास और कंपोज ये साउथ अमेरिका में ही आते हैं, कुछ आपके ब्राजील में भी मिलेंगे। कंपोज सर ट्रॉपिकल है, ब्राजील की तरफ, ब्राजील की तरफ। पंपास नीचे है, अर्जेंटीना को टेम्परेट है, ठीक है, हाँ साउथ अमेरिका, थोड़ा सा साउथ ब्राजील में ये मिलता है पंपास, बट अगेन मेजोरिटी ऑफ द कंपोज इज इन ब्राजील, थोड़ा सा मिलेगा बट फिर भी हम इसको, तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर विल बी वेल्ड साउथ अफ्रीका, ये हमने देख लिया, बी का 4, सी का 1 और डी का प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56, जेट स्ट्रीम, स्ट्रॉन्ग कोर, अपर लेवल, वेस्टर्ली विंड्स, फॉलोज मेंडरिंग पाथ, यस। और ये जो टर्म है World War II के टाइम पे जब पायलट्स थे उन्होंने जेट स्ट्रीम, क्योंकि वो अपने जहाजों को लेके जाते थे तो उनकी स्पीड बढ़ जाती थी बहुत ज्यादा, तो इसलिए उस टाइम पे ये डिस्कवर करी गई थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। अब देखो मेरे से क्या गलती है, जब मैं पहली बार इसको देख रहा था तो मैंने मेंडरिंग जो पाथ है, जैसे हम ओवरथिंक करते हैं कई बार, हम पढ़ते हैं बार बार रोजबी वेव, तो कि हाँ यार जेट स्ट्रीम तो सीधी जाते होंगे, तो आई टुक दिस स्टेटमेंट एज रॉन्ग। तो मैंने पहले जब मार्क किया था इसको, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, बट जब मैं और प्रदीप से डिस्कस कर रहे थे तब ये चीज सामने आई, तब पता चला कि मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें मैं तो बिना एग्जाम के ही कर रहा था, मेरे से होती है, तो एग्जाम में तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो छोटी छोटी चीजों में भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। ठीक है, बट बोथ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये हो जाएगा 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। 56, अब देखो 57, रोड टैप, ये आपकी रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड द टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, ये जनवरी 2023 की डॉक्यूमेंट पेज नंबर 39 में करवा रखा है। ठीक है, ये मैकेनिज्म है एग्जम्पशन ऑफ द टैक्स ड्यूटी इन सब का, यस, ये WTO कंप्लाइंट है और IT एंड टू एंड एनवायरमेंट में रहती है, एब्सोल्युटली यस। ठीक है, तो 57 हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट। अब देखो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, अभी हाउ मैनी नहीं होना चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि टू ओनली, टू भी उसमें जाएगा, क्योंकि या तो इसमें वो अलग तरीके से लेंगे या उसमें अलग तरीके से लेंगे। अब इतने सारे कंफ्यूजन में क्या होने वाला है, किस तरीके से कमीशन करने वाला है, इतना पेपर बनाने के बाद ये भी गड़बड़ हो जाती है। तो कमीशन में इतने सारे लोग बैठे हैं तो गड़बड़ तो सबसे होती है, ठीक है, तो ये चलता ही है। अब देखो अगला क्या है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन 58। अब आप 75 हार्ड पेज नंबर 96 में ये आपको करवाया था। अब यहाँ पे देखिए, करंटली पीसीए सुपरविजनरी नॉर्म्स एप्लीकेबल टू बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एनबीएफसीज। जब मैंने आपको पीसीए बताया था तो मैंने बताया था कि बैंक्स में पीसीए अभी तक चल रहा था, एनबीएफसीज को अभी ऐड करा गया है, ठीक है, बट वहां पे अब इन्होंने और ज्यादा डीपीए चले गए कि एनबीएफसी में भी गवर्नमेंट ओन्ड या फिर नॉन गवर्नमेंट ओन्ड, जबकि नॉन गवर्नमेंट ओन्ड तो है, गवर्नमेंट ओन्ड आपकी अक्टूबर 2024 के बाद आएंगी, ठीक है। तो अगर मतलब डीप जाके देखते हैं, ठीक है, तो इसको हम उस तरीके से मानेंगे, दिस इज रॉन्ग। एंड डिस्क्रिशनरी एक्शन अंडर पीसीए इंक्लूड्स रेस्ट्रिक्शन ऑन ब्रांच एक्सपेंशन, ठीक है, तो उसमें ब्रांच एक्सपेंशन पे आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सो दिस इज राइट, ठीक है। तो 49 रह गया, स्किप हो गया हमसे, 49 रोड टैप एग्जम्पशंस होते हैं टैक्स एंड ड्यूटीज पे, ये हमने कर लिया, नहीं 49 थे, अब 57 पहुंच गए। यस हिमांशु, मैंने सिमरन हिमांशु अपने हिसाब से जितना देखा है तो इट कम्स आउट टू बी डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट, बाकी और थोड़ा सा इसको रिसर्च कर लेंगे अगर इसमें कंफ्यूजन है तो। 49 को एक बार देख लेते हैं, 49 49 कर लिया, एड्रेनालिन नहीं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे, बट मेरे हिसाब से अभी के लिए बोथ आर करेक्ट। 57 जो कंफ्यूजन वाले हैं दो चार उनको नोट डाउन कर लिया है, उनको अपडेट भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया पीसीए, हो गया पीसीए में अब यही है, अभी ये इसके अंदर आया नहीं है और डिस्क्रिशनरी एक्शन में ये रहेगा, तो दिस इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अब स्टेटमेंट तो हाउ मेनी में तो 1 ही है, बट अगर हम जाते हैं तो टू ओनली आंसर होना चाहिए, तो ये टू ओनली। अब यहाँ पे कंफ्यूजन अगेन कि इसका ये क्या आंसर लेंगे कि यस और ये, ठीक है। ठीक है, बाकी जो छोटे मोटे डाउट हैं उनको ले लेंगे सार्थक, जैसे 38 स्टूडेंट्स ने दिया, उसमें से 1000 से ऊपर बच्चों को लेंगे क्या मेंस के लिए। 1200 के आसपास आप सॉरी 120 सीट्स हैं, तो 12 224 कितना होता है, 12 144, तो लगभग 1400 के आसपास बच्चे तो लेने चाहिए इनको, 1400 1500। अब देखो FEO, ये हमने डाकू लास्ट ईयर करा था, FEO 2017-18 से आपका न्यूज में चल रहा था। एक पर्सन हु हैज फ्लीड द कंट्री, यस, अगेंस्ट हुम एन अरेस्ट वारंट हैज बीन इशूड, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे 100 करोड़ की लिमिट होती है, यस। Under the act, authorities are empowered to confiscate asset even when no conviction has been obtained. यहाँ पे आपको confiscate करने का मिलता है on declaration as fugitive only. अब देखिए conviction का मतलब क्या है, उसमें क्लैरिटी थोड़ी सी लेनी जरूरी है कि conviction का मतलब ये fugitive को लेंगे क्या, convicted as fugitive या फिर बाद में fugitive, भगोड़ा तो उसको घोषित कर दिया गया है, भगोड़ा वो हो गया, बट वो convicted अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट उस हिसाब से तो हो जाएगी करेक्ट कि अंडर द एक्ट अथॉरिटीज आर एम्पावर्ड टू कॉन्फिस्केट, क्योंकि नो कन्विक्शन हैज बीन ऑब्टेन्ड बट ही इज फ्यूजिटिव, तो फ्यूजिटिव तो उसको घोषित कर दिया, 100 करोड़ से ज्यादा का है, कन्विक्शन अभी नहीं हुआ है, कन्विक्शन क्योंकि केस चल ही रहा है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इज द नोडल एजेंसी, नो दिस इज रॉन्ग, तो 1 and 2 आर करेक्ट, मतलब हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 2 ओनली, तो आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि 3 को हटाते ही, ठीक है, यहाँ पे आपका ये चल रहा है, FIU का पर्पस ही डिफरेंट रहता है, उसका FEO से लेना देना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो 59 का आंसर मोर अप्रोप्रिएट एंड दिस इज 1 and 2, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया बट आपको समझ में आ गया, 1 and 2 59। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60, ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, इसमें देखिए एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब कई क्वेश्चन पिछले से पिछले साल के भी रहे हैं, वी डोंट नो कि अब प्रिपेयर कितना करना है, 1 से 1.5 साल तक का ही आप प्रिपेयर करते चले, एंड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर जो पिछला प्रिपेयर किया है उसको अपने रिवाइज करते हुए चलो, यही हम कर सकते हैं। देखो एब्सोल्यूट एडवांटेज ये आपकी एडम स्मिथ की थ्योरी थी। बिग पुश आपका रोडेन का है, बैलेंस ग्रोथ, सॉरी ये बैलेंस ग्रोथ रेगनर की है और रिचर्ड आर नेल्सन की, ठीक है। ये है आपकी थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिकार्डियन, सॉरी रिकार्डियन से यहाँ पे लिख दिया गया है। एनसीईआरटी में डायरेक्टली सारी चीजें नहीं दे रखी, अलग अलग जगह पे एक दो पॉइंट आपको मिल सकते हैं, बट नॉट लाइक ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, और बैलेंस ग्रोथ किसकी है, रेगनर की, ठीक है। अभी लास्ट टाइम इन्होंने ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन पूछे थे और इस बार इकोनॉमिक्स में ऐसे क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछी गई है, ज्योग्राफी कम है। अब देखिए ये 61 गिनी इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे ये तीन चीजें थी। अब मैंने पहली बार जब इस क्वेश्चन को पढ़ा, गिनी इंडेक्स हम सब पढ़ते हैं, इज एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम और द वेल्थ, एब्सोल्युटली राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन, ठीक है। पहले में लगा कि हाँ ठीक है, हायर द गिनी इंडेक्स द ग्रेटर द डिग्री ऑफ इनकम इक्वालिटी। अब मैं गलती से इसको इनइक्वालिटी पढ़ गया फिर से, तो ये इक्वालिटी को नहीं मेजर करता, ये इनइक्वालिटी, हायर है तो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, 1 है तो सारी वेल्थ एक के ही पास है, तो ये गलत हो गया। अब 2 को गलत कर दो, 2 गलत, 2 गलत, 2 गलत, आंसर इज 3 ओनली। ये पता भी है नहीं भी पता है, वी डोंट नो, बट अगर आपने ढंग से पढ़ा तो इक्वालिटी यहाँ पे डाल रखा है, तो दिस इज रॉन्ग। अब ये पहली स्टेटमेंट लग तो ठीक ही रही है, बट क्योंकि 2 तो एब्सोल्युटली गलत है, तो 2 को गलत कर दो, 2 गलत, 2 गलत, आंसर विल बी 3, सी ओनली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 61। अब हम आते हैं 62। देखो ये न्यूज में चल रहे थे, नीम कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, ये डिफरेंट है। सल्फर कोटेड यूरिया को नीम कोटेड यूरिया नहीं बोलते, ये सल्फर के लिए होता है, यस, तो ये हो गया गलत। फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए गए हैं आपके सुपरविजन के लिए, होर्डिंग को रोकने के लिए, इंडिविजुअल, देखो फ्लाइंग का काम ही यही होता है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस से अगर आप लगाते, रिस्क वगैरह लिया जा सकता था कि इंडिविजुअल फार्मर को बताना कितना क्या रहेगा कितना नहीं रहेगा, वो तो हम सोयल हेल्थ कार्ड वगैरह में बता देते हैं, बट उस हिसाब से नहीं रहेगा। तो ये दोनों ही आपकी गलत हो जाएंगी। ओके, ठीक है। गिनी कोफिशिएंट एंड गिनी इंडेक्स, ठीक है, हाँ कारो हमारा डिफरेंट रहता है, एब्सोल्युटली, ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 63। देखिए ये आप पढ़ते ही हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है इज एन ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज, यस। ICIMOD, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ये काठमांडू बेस्ड है, नेपाल में बेस्ड है, ठीक है, इंटीग्रेटेड, बट ये पुराना आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू दिस साल। ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल सर्वे आपका नाबार्ड कराता है, तो ये भी गलत होगी। अब देखो, अब इसमें क्योंकि सिर्फ 1 ओनली ही करेक्ट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 ओनली, 1, 2, 2, 3, ये उस हिसाब से ऑप्शन बना रखे, तो आंसर हो जाएगा सी 1 ओनली। 63, 64 देखिए, रागी के बारे में पूछा गया है। अब पहली स्टेटमेंट देखो, रागी, अब क्योंकि मिलेट्स आपके न्यूज में थे, मिलेट्स के हिसाब से हम काफी सारी चीजें जो है वो देखते हैं, तो देखो अब रागी के हिसाब से, रागी हमें पता है कि एरिड एरिया की क्रॉप है, रागी इज ए रेनफेड क्रॉप, तो इसी को हटा दो। अब गलती ही यही करवा रखा है, हाई रेनफॉल, लो रेनफॉल, ठीक है, तो पहला तो इसको हटाए, रागी इज रेनफेड, नो, 1 गया, 1 गया, 1 गया, 2, 3 एंड 2, 3, 4, अब यानी 2 और 3 तो एनीवे सही ही होंगे। चौथे देखो, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान, अरुणाचल आर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, दिस इज राइट, ठीक है, और ये आपका दे भी रखा है एनसीईआरटी में, तो ये आपका हो जाएगा, ये करेक्ट, ठीक है। तो 64 आंसर विल बी 2, 3, 4 सी। 65 देखिए, अब ये यूपीएससी में इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते थे, ठीक है, तो वहां पे एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। अब अगर आप इन सब में से देखेंगे, डेजर्ट शिप, हॉर्नबिल, ब्लू शिप, लॉयनटेल मकैक, पिंक हेडेड डक, इनमें से सिर्फ पिंक हेडेड डक ही जो है वो ही बिल्कुल एक्सटिंक्ट के आसपास है, ठीक है, तो ये एक्सटिंक्ट है। अगर आपको एक्सटिंक्ट में कुछ याद है, कीमू, ईवी, डोडो, ठीक है, पिंक हेडेड डक, बट कुछ मानते हैं कि थोड़े मोड़े बचे होंगे, बट यही मैच करता है, डी का 4 ही मैच करता है और डी का 4 सिर्फ एक में ही है। यानी अगर आपको बाकी नहीं भी पता, अब देखो इनका नाम भी सुनते हैं, डेजर्ट शिप बी, ब्लू शिप बी, लॉयनटेल मकैक, बहुत कॉमनली सुनते हैं, ठीक है, ये तो लीस्ट कंसर्न है, बट अब क्योंकि मैच द फॉलोइंग में लीस्ट कंसर्न है नहीं तो कुछ ना कुछ आंसर करना पड़ेगा। तो सिर्फ डी और 4 को मैच करने पे आपका आंसर आ जाएगा बी, बाकियों को देखना भी नहीं है कि कौन सा क्या रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे दे रखा है PLFS, क्योंकि न्यूज में चल रहा था डाकू 2023 में हमने PLFS कवर किया था, बट उसमें जैसे पहली जो स्टेटमेंट है करंट वीकली स्टेटस इन अर्बन एरिया इज मेजर्ड एट एन इंटरवल ऑफ 3 months, यस, बट हमने ये स्टेटमेंट कवर नहीं करी थी, ये करी थी प्रेजेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिक्लाइनिंग, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो आपका बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिक्लाइनिंग व्हेन कंपेयर टू दिस, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये मैंने आई थिंक ठीक मार्क कर लिया, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इंक्रीजिंग जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिक्लाइनिंग, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वर्किंग बढ़ रहा है, तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली, तो यहाँ पे आंसर रहेगा ए, इसको करेक्ट कर लेंगे, 66 का ये रॉन्ग मार्क हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 66, A is the right answer, 1 is the only। अब देखिए ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपकी गाइडलाइन इश्यू करी थी ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर एंड लार्ज डिफॉल्टर डायरेक्शन 2023। देखो डाकू में पेज नंबर 32 अक्टूबर 2023 में मैंने करवाया था विलफुल डिफॉल्टर 25 लाख तक का और लार्ज डिफॉल्टर 1 करोड़ तक के होते हैं, ठीक है। अब इनकी नई डायरेक्शंस आई थी, ठीक है, अब सारी चीजें तो इंक्लूडेड नहीं थी, बट यस, अब देखिए डायरेक्शंस आर एप्लीकेबल टू द ऑल रेगुलेटेड एंटिटी, ये सिर्फ बैंक पे ही एप्लीकेबल रहती है, तो ऑल में नहीं आएगा ये, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत। ऑल से भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, विलफुल डिफॉल्टर नीड टू बी रिव्यूड एंड फाइनलाइज्ड विद इन 6 months, यस, फॉर एन अकाउंट बीइंग क्लासिफाइड एज एनपीए, ये आपके डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट दे रखी है। देन लेंडर कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट गारंटर विदाउट एग्जिस्टिंग ऑल द, ये भी हमने कर रखा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक रहेंगी, 1 इज रॉन्ग, ठीक है, तो आंसर इज 2 and 3, ठीक है, ये इस हिसाब से है। अब यहाँ पे ये वाले जो नंबर 1 स्टेटमेंट है ये अगेन, मतलब जहां तक कि मुझे अभी तक नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में कोई भी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन आई जस्ट वॉन्टेड टू रिसर्च बट मुझे कुछ मिली नहीं। करंट वीकली स्टेटस 3 months का ही है हिमांशु, ये चेक करा जा चुका है। सिमरन किस क्वेश्चन में कह रहे हो, फर्स्ट करेक्ट है, एक तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आप साथ साथ बताएं ताकि फिर वो आइडिया रहे, क्योंकि चलते चलते थोड़ा सा कमेंट्स पढ़ने में देरी हो जाती है तो पता नहीं चलता कि आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो हॉर्नबिल वल्नरेबल है या नहीं है उसमें अपने को नहीं करना कृष्णा, द पॉइंट इज कि भाई पिंक हेडेड डक जो है ना वो आपका एक्सटिंक्ट के आसपास माना जाता है, मोर अप्रोप्रिएट आंसर आपको ढूंढना है बस, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही कम, मे बी कहीं कुछ एक आधा बचा हो उसमें रहेगा। CWS, यस, 1 इज राइट, ठीक है, ये 3 month ही है, मैंने इसको चेक कर लिया है, एंड करंट वीकली स्टेटस अर्बन एरिया इज फॉर 3 months, दिस इज राइट, ये 2-3 जगह से कंफर्म कर चुके हैं। बाकी अगर मान लो आपको कोई सोर्स मिल रहा है जहां पे कुछ डिफरेंशिएशन है, आप अकेडमी वाले नंबर पे सेंड कर देना जो नीचे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो डाउटफुल की कैटेगरी में फिर भी आ जाते हैं, हम भी अपनी तरफ से देख लेते हैं, तो वो कमीशन की तरफ से भी रहेगा, हमारी तरफ से भी रहेगा, उनका फिर कमीशन की में क्या की आएगी, किसी का कोई गलत हो रहा होगा, किसी का कोई ठीक हो रहा होगा, उसी हिसाब से आप अपने रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे। गौरव मेजर से कंफ्यूज नहीं करना, एक्चुअली यहाँ पे मेजर का अरुणाचल इज राइट, अरुणाचल भी चेक कर चुका हूं मैं, तो उससे वो भी रागी के प्रोड्यूसर में आएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का था, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था, आई जस्ट चेक इट, ठीक है। ओके ठीक है रेखा, खेड़ा वाले में देख लेंगे, ठीक है, और रागी वाले में अरुणाचल आएगा, ठीक है, वो लिखा भी हुआ है, रागी प्रोड्यूसिंग में लिखा हुआ है। ये हो गया अपना, हाँ लैंडर वाला हो गया है। अब देखो ये टफ क्वेश्चंस हैं, ये नहीं होंगे। अब ये आपको HS40 में भी और मैप वाली वीडियो में भी देखो शिपकिला, लिपू लेक, लिपू और नीति लिखा था तो वो दोनों के दोनों उत्तराखंड में थे आपके। झिलिपला ना तो जीप लेके कहां गया था, सिक्किम में, तो ये इससे मैच हो गया। इन दोनों को भी आप मैच करते हैं। शिपकिला कहाँ है, हिमाचल में, ठीक है। बुर्जिल पास कहाँ है, कश्मीर में, तो ये आपके मैच हो जाएंगे। आंसर इज बी, ठीक है। ए का 2 शिपकिला हिमाचल, बी का लिपू इज उत्तराखंड और झिलिप इज सिक्किम एंड डी इज 1 बुर्जिल इज कश्मीर, तो 68 का बी, ठीक है। ये मैप वाले में करवाया हुआ है। अगला देखिए, ये थोड़ा सा अगेन टफ क्वेश्चन है। ओंटारियो कनाडा में आपका क्रोमाइट और प्लैटिनम मिलता है, तो ये इसके लिए ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और लाइमस्टोन अल्जीरिया में आपका रहता है, तो 1, 2, 3, 4 ये सारे ही कोपरनिकल अफ्रीका, फॉस्फेट कोकस माउंटेन्स, तो ये चारों इस तरीके से रहेंगे। तो 1, 2, 3, 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से रिसर्च कर ली है, अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो क्वार्टरली का क्या मतलब होता है साकेत? 3 मंथ से तो होता है क्वार्टरली, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब 4 मंथ थोड़ी होता है, 3 चौके 12। देखो अब हम आते हैं आगे। देखिए ये एचएस में पहले भी क्वेश्चन आया था, ये भी हमने करवाया। शिरो को एसोर, शिरो को एसोर, सहारा, पहले तो इसको मैच करो, एसोर शिरो को सहारा, ठीक है। सारी हरमतान, चिनूक, जोंडा ये सब करवाई हुई है। अब देखिए चिनूक ये वार्म विंड है, ये स्नो ईटर भी इसको बोला जाता है, तो इन दोनों को मैच करो, ठीक है। तो इसको किया और इसको किया, तो आंसर हमारा माउंटेन ब्रिज, कैटाबैटिक विंड्स होती हैं, ठीक है। और चिनूक हो गया 3, स्नो ईटर। सिमोन कौन सी है? सिमोन इज एशियाटिक एंड अफ्रीकन डेजर्ट में आपकी पाई जाती है, और शिरोको इज सहारा, ठीक है, डी का 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 70 का बी। अब देखो एंजल, योशमाइट, नियाग्रा, नियाग्रा, विक्टोरिया, एंजल, ये तीनों आपको करवाए हुए हैं। विक्टोरिया फॉल KUT के बीच में होता है, केन्या, युगांडा, तंजानिया, तो ये KUT कहाँ है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, तो डी को मैच करो 3 के साथ। D3, 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 D का 3 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन को मैच करने से आपका हो जाएगा। नियाग्रा फॉल हमें पता है यूएसए और कनाडा बॉर्डर पे है, ये तो सब सुनते ही है। एंजल आपके वेनेजुएला में है, हाईएस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका के कंटेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये दिनेश देखो ऐसे बातें नहीं करते, ठीक है। ये लाइफ है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग कि जिसमें हम जी जाए मर जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह ही लो, ठीक है। हाँ हम अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, ये है, ठीक है। और मतलब इन्हीं चीजों पे फोकस करो। यू कैनॉट कंट्रोल कि आप वहां पे क्या आंसर करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, आप सिर्फ मेहनत पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। एंड डोंट टॉक लाइक दिस, इट्स नॉट राइट, ठीक है। एंड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, देखेंगे 1-2 में अगर कुछ वो रहता है। निरंजन साउथ अफ्रीका वाला भी अगर कुछ ऊपर नीचे आता है, तो अभी के हिसाब से मेरी तरफ से यही आंसर है, ठीक है। 71, 72 देखिए कांडला पोर्ट का नाम चेंज किया गया था, ये न्यूज में था, दीनदयाल पोर्ट आपका रखा गया था, तो 1 को हटा दो। 1 को हटाया तो अब देखो सारे ही बच गए वैसे तो। मर्मागांव पोर्ट गोवा आपका आयरन प्रीमियर एक्सपोर्ट करता है, एब्सोल्युटली राइट। चेन्नई आर्टिफिशियल, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल, सबसे पहले से ही आपका है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पारादीप जो पोर्ट है, ये आपका माइका में, ये आयरन में ही रहता है, तो ईस्ट कोस्ट में आयरन एक्सपोर्ट में पारादीप रहता है, वेस्ट कोस्ट में मर्मागांव रहता है, तो ये दोनों ऐसे हैं। अगर आपको पता है तो आप कर लेंगे, अदरवाइज नो। तो 2 और 3 इज राइट। 72 का हाँ, नल्लोर नीचे है और वो ऊपर है, यस, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल, मतलब ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 से भी सवाल आ रहे हैं, पिछली बार भी आते हैं। पहले सप्तऋषि, कॉन्स्टेलेशन, बिग बियर और अर्सा मेजर दोनों सेम ही है, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट, ये आप देखो, आपको ध्यान हो, एस्टेरॉयड बेल्ट की ट्रिक करवाई हुई है MJ, माइकल जैक्सन सर ने भी, मैंने भी, तो माइकल जैक्सन के बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में, ना कि अर्थ। 3 को हटा दो, 3 गया, तीन गया 1 2 4 1 2 1 2 तो रहेगा 4। देखो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड सीरस है, बार बार पढ़ते हैं, ये करवाया भी हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, तो 73 का आपका क्या आंसर रहेगा 1 2 एंड 4, ठीक है, तीन को हटा दिया तो 73 is 1 to 4। 74 देखिए, अब यहां पे रेगड सोयल ये और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 74 एंड 75 क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर नंबर 6 इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो क्लास 11th या 12th की अपनी है ना इंडियन ज्योग्राफी, उसमें चैप्टर 6 में है और सेम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है, पेज नंबर 69 71, ये आपका रिसोर्सेज वाले चैप्टर में भी है। आई थिंक ये क्लास कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 में है, पेज नंबर 8 और 9 में भी, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे मिलेंगे, अगर आप कंटेम्प्रेरी इंडिया आराम से भी डाल, दोनों में ही यही है, हर एक मिट्टी के बारे में दे रखा है। सोयल डायरेक्टली एनसीईआरटी से ये आपके क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो मैंने आपको बार बार बोला भी था एनसीईआरटी जरूर करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, लाइन बाय लाइन करनी है और वहां से ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। देखिए पहला क्या आ रहा है, इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, ठीक है, ये रेगड का नहीं होता, ये रेड सोयल के कंटेक्स में होता है। इट इज रिच इन आयरन, पोटास, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में ये पुअर होता है। इट इज टिपिकली फाउंड ऑन नॉर्थ वेस्ट, यस रेगड मिट्टी नॉर्थ वेस्ट में मिलती है। इट इज रिच इन कैल्शियम एंड दिस, ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 4, चारों स्टेटमेंट वहां पे दे रखी है तो 4 3 एंड 4 इज द राइट आंसर सी। अब देखो 75 ये रेड एंड येलो के बारे में पूछ रखा है, ठीक है, SS40 में भी ये करवाया हुआ है सर ने, 2 बार ये ऑलरेडी इसी पैटर्न में सवाल पूछा गया है कि भाई इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, नो लो रेनफॉल, तो ये आप गलत करो, एक को हटाया, तो देखिए 3 एंड 4 2 एंड 3, मतलब 3 तो रहेगा ही रहेगा। हम आते हैं 2 पे, इट डेवलप्स रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ये तो हम पढ़ते ही हैं, यस, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 एंड 3 इज राइट। और येलो कलर हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, ये दोनों स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन आपकी दे रखी है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे 2 एंड 3 इज राइट आंसर 75 का बी। अब देखो ये आपको बार बार कराया हुआ है, 262 याद करवाया था, 262 में क्या थे 2 और 2 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, 263 में क्या है इंटर स्टेट काउंसिल, 226 और आर्टिकल 32 रिट ज्यूरिडिक्शन होता है हमारा, 39 हमें मान लो नहीं भी पता, 280 क्या है फाइनेंस कमीशन, ये हमने बार बार किया है, ठीक है। तो ये इससे आप मैच कर सकते हो, 280 का ए, ठीक है, तो देखिए डी का ए ये हो ही जाएंगे आराम से, 226 का हाई कोर्ट, बी का 2, तो यहां से भी हो रहा है, ठीक है, ए का 3, तो ये आपके मैच हो जाएंगे। इंटरस्टेट काउंसिल भी अगर आपको पता है तो भी हमारा आंसर निकल रहा है, देखिए 1 4 2, यानी अगर सिर्फ किसी को ये भी पता है 263 इंटरस्टेट काउंसिल, तो आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं, बाकी देखने की भी आवश्यकता नहीं है। ये पॉलिटिकल क्लास में सारे करवा रखे हैं, 2nd शेड्यूल, 1st शेड्यूल, नेम, 2nd शेड्यूल, सैलरी, 3rd शेड्यूल, ओथ SO जो ट्रिक है, 4th राज्यसभा इलेक्शन, 5th 6th शेड्यूल कास्ट, तो मैच कर लो आराम से। 5th में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, कैग, ये कैग के एक्चुअली 2nd शेड्यूल में सैलरीज हैं, तो उस कंटेक्स्ट में कैग इंक्लूडेड है, ना कि और किसी तरीके से। 10th हम बार बार करते हैं एंटी डिफेक्शन, 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म के लिए लाया गया था, 1st अमेंडमेंट, ठीक है, और वो जवाहरलाल नेहरू, ये सवाल बार बार आ चुका है 9th शेड्यूल भी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी। अगर आप डी को मैच करते हैं 10th शेड्यूल, आपने सब कुछ नहीं पढ़ रखा, बस सिर्फ ये पढ़ रखा है कि 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन, तो आप डी पे 3 करेंगे, एक ही ऑप्शन में है डी का 3, यानी ये वाली ट्रिक तो अभी भी चल ही रही है कि भाई हाँ इसको इससे मैच करना है, इसको इससे करना है, तो यहां से भी आपके सवाल हो रहे हैं। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री और इनके क्वेश्चन, घटना चक्र जो हमने करी थी वहां से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। अच्छा ये शायद आगे होंगे, पेज आगे पीछे आगे, ठीक है। अभी हमारे 76 पे देखिए, अब ये देखो इंडियन नेशनल आर्मी हैड फाइटिंग ब्रिगेड, गांधी, आजाद, सुभाष ने तो बनाई थी, उन्होंने अपने नाम पे थोड़ी रखी थी, आजाद, गांधी था, नेहरू था, लक्ष्मीबाई थी, ये थे, तो इसको हटाओ। स्लोगन जय हिंद भी उनका स्लोगन था, ठीक है, दिल्ली चलो भी बाद में नारा दिया गया था इंटरनेशनल आर्मी के, और रास बिहारी घोष भी इससे एसोसिएटेड थे, सॉरी बोस, ठीक है, तो ये भी हमने घटना चक्कर में किया था 75 भी, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी, तो आंसर इज ए 76। ये इजी क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला अगेन, ये हम बार बार करते हैं, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, देखो ये वाला द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड अकॉर्डिंग टू, हम ये पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अब भारती भी इसको गलत करके आ गई, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल को हमने क्या पढ़ लिया, सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक है, तो ये ध्यान से रखना है। अब ये तो हो गया गलत, देखो वन को हटाओ, वन गया, 3 4 या फिर 2 3, यानी 3 तो है ही। अब हमें 2 और इसमें देखना है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूपी इज डिफरेंट फ्रॉम गोवा, व्हाई? एमपी के तो सबकी वैल्यू सेम ही होती है, तो इसको हटाओ, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब ये देखिए, प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट, एब्सोल्युटली राइट, ये उन्हीं के एक्सेप्शंस में आता है क्योंकि प्रेसिडेंट में सबको छूट ही होती है कि भाई कौन किसको वोट देना चाहिए, अगर वहां भी एंटी डिफेक्शन लेके आ गया तो देयर इज नो पर्पस, तो दिस इज राइट, दिस इज राइट, ठीक है, तो 3 और 4 आपके ठीक है, तो ये हो जाएगा 77 का आंसर सी। देखो पॉलिटी में कोई क्वेश्चन वो डीपीएसपी और वो फैक्चुअल मान ले, बाकी उसके अलावा कोई क्वेश्चन गलत करने वाला आपका नहीं था, ठीक है। 76 का बी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, एक बार देख लेते हैं। आजाद सुभाष के नाम से भी थे, देख लेते हैं। ओके, गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ओके ओके, इसको और करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये अब मेरे लिए भी नई इंफॉर्मेशन है, सो आजाद एंड सुभाष भी आपके रहेंगे, ठीक है, तो दिस इज करेक्ट, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 76, करेक्शन, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, तो 1 एंड 2, चलिए ठीक है, जिन्होंने बताया है थैंक यू। ओके, एमपी के नहीं एमएलए के वोट आपके डिफर करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। अब अगले में हम आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 80, प्राइवी पर्स रेफर टू अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी दैट वाज पेएबल एनुअली टू द रूलर, जिन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन, यस, द पेमेंट ऑफ द प्राइवी पर्स वाज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बिफोर 42nd अमेंडमेंट। अब ये 26वें अमेंडमेंट से आपकी कैंसिल करी गई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एबोलिशन इनका किया गया था, वाज जस्टिफाई ऑन द ग्राउंड कि भाई ये इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट आपका जाता है, तो दिस इज राइट, ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो दिस इज राइट। 80, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। अब हम आते हैं 81 पे, देखिए पहला, देखिए पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स एनिमरेटेड इन स्टेट लिस्ट इफ 2 और मोर स्टेट पासेज रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग पार्लियामेंट टू एनेक्ट, दिस इज राइट, 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। A law so enacted will be applicable to the all the state, नहीं, जो state request करेंगे उन्हीं पे applicable होता है। Second is wrong, such a law can be amended or repealed only by the parliament, this is also right, क्योंकि parliament ही बनाती है। जबकि अगर हम दूसरे condition में जाते हैं, जब राज्यसभा resolution पास करती है तो उसमें states भी change कर सकते हैं और आपके दूसरे भी change कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका 2 statements are correct, तो 1 and 3 is correct, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी पार्लियामेंट को दे दी, तो वही अब उसको हटा सकता है। अब देखिए 82, ये आपका हरियाणा जीएस का क्वेश्चन है, 1857 के आपने पूछा है। अहिरवाल में हमारे राव तुलाराम थे, फरीदाबाद में धारू सिंह थे, धान बोरे थे, एंड हांसी में यहाँ पे है इमाम अली कलंदर, अली साहब पानीपत में थे, ठीक है, तो ये आपका डिफरेंटली मैच होगा। नहीं गीतिका, ऑल स्टेट्स में नहीं होती, जब राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होता है तभी ऑल स्टेट्स में होती है। हिमांशु, प्रिंसिपल ऑफ एगैलिटेरियन नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन से दैट, बट देखो मेरे हिसाब से वो ओवर थिंकिंग होती है पेपर के टाइम पे ना, कि आप इस स्टेटमेंट को एक जनरल स्टेटमेंट की तरह लेके चलें कि उस बेसिस पे ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने एनेक्ट करके उसको हटा दिया। इट इज नॉट अबाउट कि क्या ये प्रिंसिपल है या नहीं है, ठीक है हिमांशु। चलो बढ़िया है जयेश, एंड बिल्कुल दिनेश आप आ सकते हैं दादरी, मोस्ट वेलकम। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे ओवरथिंक नहीं करना किसी भी चीज को लेके ना, ये कई बार गड़बड़ हो जाती है ऐसी चीजों में। ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है कि भाई इसको एवोल्यूशन किया गया, ठीक है। और इक्वालिटेरियन प्रिंसिपल, क्योंकि हमारा इक्वालिटी भी क्या है और इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी क्या है, सेम इक्वालिटेरियन के हिसाब से ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से ही ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है 1857 और ये तीनों हो गए हैं। अब देखो ये शिवाजी वाला है, ये डाकू में भी किया था, इनकी 350वीं कोरोनेशन वो थी, तो 1674 क्योंकि 350 था तो वो 76 दे रखा है। एक को हटाओ, कर्नाटका एक्सपीडिशन उनका लास्ट था और 1678 में जब उन्होंने ये किया था तो कुतुब शाह को 1 लाख उन्स के लिए भी बोला था। अगेन ये उतना जनरली ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, थर्ड वाली 2 पता चल जाती है, ये भी पता होती है, और 1 लाख वाली ध्यान रखनी है। 2 and 3 इज करेक्ट, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 83 ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 84 में। देखो नूसपिर, ये अमीर खुसरो को ही आपका बोला जाता है, ये देखा था। अब ये दोनों फिर से बहुत ज्यादा वो है, रियाजुल इंसा मोहम्मद गवान क्या है, और यहाँ पे बुरहन ए मसीर, ये आपकी सैयद अली की है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मैच करते हैं, 1 मैच नहीं करता, ओनली 2 पेयर्स आंसर आएगा। अगेन इसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहता है, एक आधी चीज कहीं कहीं मिलेगी, सारी चीजें नहीं मिलेगी। अब ये देखिए बसवान मीर सैयद अली दसवान, ये हमने पेज नंबर 230, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 पेज नंबर 279 हिस्ट्री घटना चक्कर में भी किया है। किंग्स क्रॉनिकल थीम्स ऑफ इंडिया में पेज नंबर 230 पे ये दे रखा है। तो बसवान और दसवान दोनों अकबर के टाइम पे थे, और दसवान पिछली बार भी आया था, उसने सुसाइड कर ली थी, सन ऑफ पॉटर था, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। तो बसवान और अकबर बिल्कुल सही है। मीर सैयद अली हुमायूं, ये भी बिल्कुल सही है। दसवान जागीर के टाइम पे ये नहीं था, ये अकबर के ही टाइम पे था, तो ये हम यहाँ ऐसे, ठीक है। तो ओनली 2 पेयर्स के कंटेक्स्ट में आपका रहेगा 85। अब देखिए मैंडेमस, अब यहाँ पे ये काफी डीप में आपसे मैंडेमस के बारे में पूछ लिया गया कि द रिट मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट। के अगेंस्ट मैंडेमस नहीं होता, प्राइवेट के अगेंस्ट सिर्फ हैबियस कॉर्पस होती है, पहली चीज तो ये। तो 1 को हटा दो। इट कैन बी इशूड टू एनफोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल, नहीं, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस के लिए होता है। जो मान लो एग्जीक्यूटिव को कोई काम है, उसे करना था, नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि भाई करो, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस के लिए है। कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट गवर्नर, यस, प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट आप मैंडेमस इशू नहीं कर सकते, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट अ स्टेट टू रिफंड द टैक्स कलेक्टेड अनलॉफुली, हाँ, अगर आपने गलत तरीके से कलेक्ट किया है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा आपका। तो 3 and 4 इज करेक्ट, तो आपके 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपने जैसे भी करके करी हो, तो आंसर विल बी 2 स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ये क्लास में सारे करे हुए हैं। In order to form a new state, Indian Union, the Parliament can amend the provision of the Constitution with a simple majority. Yes, Constitution amended होता है simple majority। 368 में हम उसको calculate नहीं करते, that is different। To amend the provision of the DPSP fundamental right हम कैसे करते हैं? Special majority, yes, right। To amend 368 itself, तो आपको Parliament special majority plus consent चाहिए half of the states का with a simple majority, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ठीक है। तो all the 3 statements are correct। ये simple एक ही हमारे चैप्टर से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आपका पूछा गया 87। अब देखिए 88, यहाँ पे घटना चक्र हमने पेज नंबर 388, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 दोनों आसपास थे, वैसे भी आप पढ़ते हैं। नील दर्पण, दीनबंधु, आनंद मन में पहली बार आपके वंदे मातरम आए थे, ये दोनों तो है ठीक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ द सिख कंपोज्ड हिज वर्सेस मेनली इन हिंदी ब्रजभाषा। यस, उन्होंने हिंदी ब्रजभाषा यूज करी थी, मेनली इनकी थी जाप साहिब, जिसमें इन्होंने इसको यूज किया था, बट पंजाबी ज्यादातर यूज करते थे। अब कमीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इस क्वेश्चन को किस तरीके से लेता है। अगर वो इस स्टेटमेंट को ठीक लेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट अगर इसको गलत लिया तो आंसर विल बी 2 और 3 तो है, मतलब मिनिमम 2 और 3, इसी में ही कंफ्यूजन है। तो 2 और 3 तो आपका रहेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मेनली की वजह से ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, वी विल सी। अब देखिए ये घटना चक्कर में सारा करा हुआ है। जेम्स वेल हाईली क्रिटिकल, यस। विलियम बेंडिंग 1835 पर्शियन को करके इंग्लिश को सब्सटीट्यूट किया गया, यस, पर्शियन हटा के कर दी गई थी। वुड डिस्पैच 54 में आने के बाद 57 में आपके कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली बनाए गए। इट लेड टू एस्टेब्लिशमेंट, यस। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, अब ये एनसीईआरटी में ये दो लाइन तो दे रखी है, द सिलेक्शन ऑफ द विजयनगर साइट वाज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ, क्योंकि वहां पे पहले विरूपाक्ष टेंपल होता था, यूं की लाइन उठा रखी है, विजयनगर वाज एस्टैब्लिश्ड नियर पंपा देवी टेंपल, यस। अब यहाँ पे श्री पंपे नमः इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड इन द विजयनगर कॉइंस, तो इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, ठीक है, और मैं ढूंढ भी नहीं पाया। अगर आपको कुछ पता है तो आप बता सकते हैं। ओके ओके, अच्छा दिल्ली लिखा हुआ है क्या? कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, यस, मद्रास आएगा, ठीक है, हाँ, राइट 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 निधि, ठीक है, करेक्शन, यस। मैं कलकत्ता बॉम्बे पढ़ के मुझे लगा कि वो तीनों ही लिखे होंगे, तो ठीक है, दिल्ली नहीं आएगा, राइट, मद्रास आएगा, तो ये आपके गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 2, यानी 89 का आंसर आपका हो जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। इसको करेक्टेड वर्जन को अपलोड करके आपके साथ पीडीएफ लेटर ऑन शेयर कर दी जाएगी कि भाई इसको भी करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये फायदा हो जाता है लाइव क्लास का कि भाई कुछ 2-4 क्वेश्चन अपने ऊपर नीचे रहते ही हैं जो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 90th हो गया, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पे देखो 91st, यहाँ पे प्रतिहार किंग भोज, ठीक है, ये ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में आपके मिलते हैं, और सतवाहना किंग पुलामवी नासिक इंस्क्रिप्शन, नासिक में पुलामवी और गौतमी पुत्र सतकर्णी दोनों के मिलती है, और तोरामन जो राजा थे उनके बारे में वराह इंस्क्रिप्शन में आपका मिलता है, ठीक है। ये मैं अकेडमी की बुक्स में भी देख रहा था, तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कहीं नहीं मिल रही, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हमारे पेज नंबर 74 जैसे अकेडमी की बुक्स में ये आपकी दे रखी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्ट। 92 देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है, हमने डाकू में भी करा था, ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से लेके आए थे, ठीक है। तो ये, और ये अभी न्यूज में चल रहा था कैक्टस, क्योंकि मालदीव के साथ अपने वो चल रहे हैं, तो कू इन द मालदीव, तो इन दोनों को भी अगर आप मैच करेंगे, ये दोनों नहीं भी पता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए का 1, यानी ऑपरेशन गंगा इज दिस, बी का 3 कैक्टस इज मालदीव, सी का 2 मैत्री इज नेपाल के साथ था, और कावेरी किसके साथ था हमारा, सूडान के साथ, ठीक है। तो कुछ पता हो कुछ नहीं पता हो चलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93, PIL एक लीगल एक्शन है इनिशिएटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ बाय फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यस। PIL हैज रीइंफोर्स्ड द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई, देखो PIL ने लोकस स्टैंडाई को ही खत्म किया था कि भाई कोई भी आपकी PIL फाइल कर सकता है, लोकस स्टैंडाई हमारा नॉर्मल चीजों में रहता है। तो एक तो 2 को हटाओ, 2 गया 3-4 तो आएगा, 1 को देख लो, 1 तो ठीक है ही, PIL आपका लीगल एक्शन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इनिशिएटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं। तो 1, 3 और 4 इज आंसर। 93 का आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए ये, इसमें से हम 2 तो पढ़ते ही हैं, रानी दुर्गावती गोंडवाना, चांद बीबी अहमदनगर। ज्वारा का नहीं पता कि भाई ये मोहम्मद शाह के साथ लिंक है नहीं है, ठीक है, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली भी नहीं। अगर आपको कुछ आइडिया है, कुछ इंफॉर्मेशन है तो यू कैन शेयर। 94th, ठीक है, इसका हम नहीं बता सकते, हाँ ये 2 तो ठीक है ही। अब आंसर या तो 2 पेयर रहेगा या फिर 3 पेयर रहेगा, ठीक है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, 3 का हमें कोई भी उतना नहीं मिला। अब देखिए ये है तुर्क चहलगनी, हम पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ 40, बरीद ममालिक ये आपका HS40 में भी करवाया हुआ था, इसके बारे में तो डिस्कशन भी चला था, हेड ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस, यस। अब यहाँ पे आया अमीर दाद, लॉ ऑफिसर हु कैरिड आउट डिसीजन ऑफ द जजेस, ये जजेस के ही डिसीजन को इन्फोर्स करने के लिए रहता था अमीर दाद, ठीक है। बट मेरे हिसाब से ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक रहेंगे, बट अगर किसी दूसरे तरीके से कुछ और करते हैं वो तो देखेंगे, ठीक है। बाकी आंसर रहेगा ऑल 3, ठीक है। 93, का ऑल, हाँ डी, 134। ये हो गया है। इसमें देखो सूरदास की सूरसागर है, यस, शंकर देवा फिर से पूछ लिया, कृतन घोष है यस, संत तुकाराम अभंग, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, विट्ठल को पेयर करते थे ना तुकाराम जी, ये प्रधानपुर से हैं, पिछली बार इनके ही क्वेश्चन से 3-4 स्टेटमेंट पूछ ली थी, इस बार ये इस तरीके से पूछ लिया, ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है तो ऑल 3 विल बी द आंसर। 96 का तीनों ही ठीक है। अब आता है 97। देखो अब ये हमने 42nd में करा था, वेट एंड मेजर्स आपके कंकरेंट लिस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है, स्टेट लिस्ट से, तो ये आपके कंकरेंट में रहेंगे, ये गलत है। अडॉप्शन, सक्सेशन, मैरिज, इनहेरिटेंस हमारे कंकरेंट में होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। बैटिंग, गैम्बलिंग आपके स्टेट में होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो नन ऑफ द पेयर इज करेक्ट, तो यहाँ पे ये इस तरीके से 97 नन इज करेक्ट। अब देखो 98 रेजिड्यूरी पावर आर जो कि नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट, यस, ये सब्जेक्ट वो होता है। अकॉर्डिंग टू 248 बोथ हैव द पावर, नो, रेजिड्यूरी में सिर्फ और सिर्फ यूनियन को पावर होती है, तो दिस इज रॉन्ग। स्पेस टेक्नोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ रेजिड्यूरी, यस, क्योंकि ये बाद में आए थे आपके, शुरू में हमने ऐड नहीं कर रखे थे। स्पेस, आईटी, कंप्यूटर, तो 3 and 1 इज करेक्ट, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर विल बी बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है, बॉक्स भक्ति सूफी ट्रेडिशन थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 2 पेज नंबर 166 पे ये क्वेश्चन आपका। मल्फूजात, मल्फूबात, बात में बात नहीं करते थे, ठीक है, मल्फूजात, जात वर कन्वर्सेशंस, ठीक है, तो जात कन्वर्सेशन थी, यस। बात, देखिए बात आपके ये होते थे, बायोग्राफीज होती थी, और तज़कीराज हमारे क्या होते थे, सॉरी तज़कीराज ये होते थे, बात होती थी रिटन लेटर, ठीक है, बात बोली नहीं जाती थी, लिखी जाती थी, तो इस हिसाब से है। तज़कीराज क्या है, बायोग्राफीज, तो ये उल्टा कर दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 पेयर इज करेक्ट। बॉक्स दे रखा है बड़ा सारा, और वो तीनों चीजें बहुत डिटेल में दे रखी हैं, सीधा सीधा इन्होंने पूछा है, तो थीम्स ऑफ इंडिया एनसीईआरटी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं। अब ये देखो इसमें ज्यादा कुछ मिला नहीं, दर उल अदल प्लेस ऑफ जस्टिस है, ठीक है, ये ठीक है। एंड मलिकुत तुजर, ये आपके चीफ ट्रेडर्स होते थे बैमनी किंगडम के। बलहार, बल से कुछ होगा, इसके बारे में ज्यादा कुछ बनाया, बलशाली लेबर है, बलशाली है, ऐसा कुछ ट्रिक बना रखा था आपने, अच्छा, वही बलहार। लो क्लास एग्रीकल्चर लेबरर्स, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है प्रदीप सर को भी कि ट्रिक बना के ऐसे कुछ करा होगा, तो मे बी तीनों ही करेक्ट हो सकते हैं या फिर 2, इसको देख लेंगे कि क्या आएगा, बट उतना डायरेक्टली, क्योंकि नोट्स में सर्च करना डिफिकल्ट हो जाता है, कई चीजें कहीं होती हैं, कई चीजें कहीं होती है, मतलब सर्च करके वैसे देख लो तब तो इजी रहता है। तो मिला नहीं है, बट उसके हिसाब से 2 पेयर और 3 पेयर में से कोई भी ठीक हो सकता है, अगर किसी को बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन है तो वो बता सकते हैं। वेट एंड मेजर्स गीतिका कंकरेंट में है। ओके जयेश, ठीक है, गुड। अगर ये ठीक है तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बलहार एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो ऑल करेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो करेक्ट करने हैं वी विल करेक्ट देम एंड शेयर, ठीक है। आप वी विल क्रिएट अ पोल, आप उसमें अपना जो स्कोर है, ठीक है, अभी मैं क्रिएट कर देता हूं, तो इट विल टेक हार्डली 1 or 2 मिनट। टेलीग्राम पे क्रिएट कर देते हैं एंड आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो। स्कोर मोटा मोटा कहाँ तक क्या कर सकते हैं वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी 60+ बना रहा हूँ, 55 to 59 या 60 हम कह देंगे, 51, 52, ठीक है, सो आई हैव मेड ऑप्शंस 60+, 56 टू 60, 51 टू 55, 46 टू 50। तो आप इसमें आराम से क्लिक कर लें, जो जो रहेगा तो उस हिसाब से अपन देख लेंगे कि क्या हमारा इसका हो सकता है। बाकी यहाँ पे मैं उस पोस्ट का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। इसको डायरेक्टली क्लिक करके आप अपने अपने स्कोर जो है वो शेयर कर लें। नहीं, उसमें चार्ज और उसका कोई अंतर नहीं आता दिव्यांशी, वो क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कुछ भी चीज है, चाहे वो चार्ज ऑन है या फिर वैसे है, वो आपके पार्लियामेंट के अप्रूवल से ही आएगा। देखो, जहां तक मेरा आइडिया है, अगर आपके 50+ हैं जनरल में, इफ यू आर स्कोरिंग 50 and 50+, तो देर आर गुड चांसेस कि मतलब हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी बाकी जो स्कोर रहेगा उसके हिसाब से अपन देख रहे हैं, बट फिर भी अगर जेन्युइनली मतलब आपने सही तरीके से देखा है, करा है, चेक करा है, तो इस स्कोर में ये अभी तक का मेरा बस अनुमान है, मैंने आप लोग, क्योंकि अभी तो स्कोर आप शाम तक भेजेंगे कि किस हिसाब से आएगा। ठीक है, हो सकता है कि भाई बहुत अच्छे भी बन रहे हो, बट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो मेन्स के लिए। ठीक है, अब एक बार, अब फर्स्ट टाइम पे मैंने कट ऑफ बताई थी, उससे भी बहुत ज्यादा ऊपर हो गई थी, बट उसके बाद हमने भी अपनी चीजों को थोड़ा सा उस हिसाब से एनालाइज करने की शुरुआत करी। अब पिछली बार की कट ऑफ लगभग 57 के आसपास रही होगी। ठीक है, तो अब हम मतलब अगर 50+ है तो आप डेफिनेटली तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, 55 से 50, देखो 5 की रेंज रखनी पड़ती है, कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा लगभग ये हो सकता है कि आराम से, मतलब यहाँ पे तो कोई सोचना ही नहीं है, बट इन एनी केस चाहे कुछ हो या ना हो, 7 से 10 दिन में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। आप मेंस के लिए ही पढ़ो। ठीक है, 7 दिन की बात और है, जो लोग सिर्फ एचसीएस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, उनको तो मेंस ही पढ़ना है। ठीक है, नो मैटर व्हाट। अब जो यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, दे कैन वेट फॉर द रिजल्ट, वो आप प्री पे फोकस कर सकते हो और उस हिसाब से मेन्स पे बाद में जैसे ही रिजल्ट आए उसके बाद कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए ज्यादातर जो लोग यहाँ पे, आप अपने यहाँ पे कमेंट में भी शेयर कर दीजिए प्लीज, कैटेगरी के हिसाब से और उसके हिसाब से। मान लीजिए बीसीए है, बीसीबी है, ठीक है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर आप एससी कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है, पीडब्ल्यू कैटेगरी है, तो भी मतलब इफ यू कैन टाइप, तो उस हिसाब से तो अपना ये करके यहाँ पे भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। एक और आइडिया लग जाएगा कि किसके कितने क्या रहेंगे। ठीक है, तो अगर 50+ है तो आप जनरल में स्टार्ट कर दें। कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी रिजल्ट आते ही वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, और बाकियों में आप 4-5 का वो रख सकते हैं कि भाई जैसे बीसीबी की ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, 0.5 या 1 मार्क का ही अंतर रहता है, और बीसीए में 5-6 नंबर का अंतर मिल जाता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी मिल जाता है 4-5 नंबर का, और एससी में भी आई थिंक 10 या 14-15 इतने मार्क्स तक का अंतर रहता है, बट अब नीचे आने के बाद वो अंतर नहीं रहेगा उतना। ठीक है, वो थोड़े से ज्यादा होते हैं तब ज्यादा रहता है, और पीडब्ल्यू में भी, बट मोटे मोटे तौर पे ये है कि कुछ भी चल रहा है, कैसे भी चल रहा है, स्टार्ट फॉर द मेंस, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जो भी 7 से 10 दिन है दे विल टेक, हो सकता है कि आज ही आपको आंसर की मिल जाए या हो सकता है कि कल आपको आंसर की मिल जाए। अब यहाँ पे जो जो सोर्सेज मैंने अपनी तरफ से देखे हैं, रिसर्च करे हैं, जहां जहां पे कमीशन के आंसर वेरी करेंगे, ठीक है, वो सोर्सेज आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे जो चैलेंज करना चाहेंगे उन क्वेश्चंस को, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे चैलेंज होते हैं। ठीक है, अब उन सोर्सेज को स्टैंडर्ड सोर्सेज वो लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, दैट इज अनदर थिंग। ठीक है कि भाई स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी है, उन्हीं को वो मानते हैं। अगर हम किसी ब्लॉग से कुछ भी दिखा रहे हैं या कर रहे हैं वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, इवन दो उस हिसाब से आंसर की। तो जो 5-6 क्वेश्चन है जिनमें अपने वेरिएशंस रहे हैं या डाउटफुल छोड़े हैं, तो उसमें आंसर कुछ भी रह सकता है, वी डोंट नो अबाउट। ठीक है, मेरठ भी लिखा हुआ है बट फरीदाबाद के कंटेक्स्ट में भी वो बिल्कुल सही है अभिषेक। ठीक है, आई हैव चेक्ड बोथ द थिंग्स। धानु सिंह और मेरठ का भी हिस्सा आता है, फरीदाबाद में भी उनका कंट्रीब्यूशन हरियाणा के कंटेक्स्ट में। धानु सिंह इज रिलेटेड टू फरीदाबाद। आप मेरठ से कंफ्यूज मत करो, क्या हरियाणा में कहीं और से और वैसे कुछ तो फरीदाबाद में है उनका। ठीक है, आई एम श्योर। योगेंद्र अब देखो मेंस की टॉपिक लिस्ट जैसे पिछली बार भी दी थी। पिछली बार 300 टॉपिक्स की आपको लिस्ट दी गई थी और उसमें से एक ही क्वेश्चन था जो नहीं आया था और बाकी सारे क्वेश्चन उस टॉपिक लिस्ट में से थे, करवाए भी गए थे। इस बार भी वी विल प्रोवाइड द सेम टॉपिक लिस्ट। आप अपने एंड पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मेंस बैच की अनाउंसमेंट भी जल्दी हो जाएगी, जिसमें कि फास्ट रिविजन पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो हम बहुत ही लिमिटेड पढ़ेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल रहेगा और स्पेशली फोकसिंग ऑन द करंट अफेयर ऑफ लास्ट 1 ईयर। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर से आपके 3-4 क्वेश्चंस डायरेक्टली हर बार आते ही आते हैं। बाकी चीजें जनरली हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, स्टैटिक की रहती है, बट हाँ डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। आपका फोकस मेंस के लिए अब देखो हिंदी पे रहना चाहिए, इंग्लिश पे रहना चाहिए, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ काफी लोगों की क्वालिफाई नहीं हुई थी हिंदी और इंग्लिश में, तो इन पे आपको स्पेशल फोकस करना है। वी विल ट्राई टू ब्रिंग सम टीचर्स जो हिंदी इंग्लिश का कोर्स लाइव लेके आ सके। तो अभी तक कुछ फाइनल अभी हो नहीं पाया है, वी आर इन टॉकिंग टर्म्स विद 1-2 लोगों के साथ बात चल रही है, तो अभी ये देखेंगे। ठीक है, बाकी जो श्योर है वो है मेन्स का बैच जो कि HCS 300 के नाम से है। सारी की सारी डिटेल्स आपको मोस्ट प्रोबेबली कल तक मिल जाएंगी। मेंस जीएस की टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी, जो एब्सोल्युटली श्योर है ये चीज। उसके बाद जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल का हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज, हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज, इफ पॉसिबल वी विल स्टार्ट, एंड ज्योग्राफी और एंथ्रो अगर वो भी हो पाया तो वी विल सी। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, यहाँ अभी कुछ श्योरिटी नहीं है। ये 2 चीजें हैं कि बैच रहेगा एंड जीएस की टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी और लैब, लाइव आंसर प्रैक्टिस। बैच आपका टेस्ट सीरीज तो मेंस टेस्ट सीरीज के नाम से ही रहेगी। ठीक है, तो और लैब रहेगा यूट्यूब पे जो फ्री रहता है हर साल की तरह। ठीक है, उसको भी शेड्यूल बना के आपको बता दिया जाएगा। लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, डेली बेसिस पे रहेगा या फिर वीकली बेसिस पे रहेगा, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 40-50 डेज हैं। एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो भी आई विल मेक, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको डिवाइस प्रोसीड करना है, किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना। अभी मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, पॉलिटी प्लस IR से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं अभी तक। देन हिस्ट्री भी अच्छा खासा आपका रहता है। साइंस वगैरह अभी तक एक्सेस में उतना नहीं आया है। ठीक है, ये रहेगा। इकोनॉमी से भी हमारे क्वेश्चन ठीक ठाक आए हैं, तो ये रहेगा। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ये मेजर है। ठीक है, बाकियों से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं और स्टैट्स रहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। इसमें HCS के सारे सोल्ड पेपर भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे राउडी के थे तो वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा ऑन अ, मतलब उसकी क्या फीस वगैरह रहेगी वो बता देंगे। आंसर की अभी थोड़ी देर में अपडेट करके अपलोड कर देंगे अभिलाष। चलो देखो, अब फिर से आई जस्ट वांट टू से ज्यादा भड़क नहीं लेनी। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइफ एंड दिस इज जस्ट अ पेपर, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट देन यू। तो अपने आप को हमेशा सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने मेहनत करी, गुड। हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा नहीं होगा, ये मैटर ही नहीं करती। ठीक है, ये बाद में ही रहता है कि हाँ भाई मतलब इन द लॉन्ग टर्म 5 6 10 साल में भाई आप अगर मेहनती हैं तो आप डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, अभी के लिए ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आई जस्ट वांट टू से दैट। ठीक है, लैप रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि उसमें एक आप लोग करते भी हैं तो उसमें चेकिंग का प्रोसेस भी हम सेट करेंगे किस तरीके से रहेगा। ठीक है, मेंस की टेस्ट सीरीज है, उसको चेक करने का काम है, इसका काम है, तो किस तरीके से कौन कौन इन्वॉल्व होगा वो सब बता दिया जाएगा। आपका रिजल्ट मे बी 10 to 14 days। ठीक है, बट 31st March इज द फिक्स्ड डेट। 30 और 31 मार्च जो भी आपकी डेट है। ठीक है, तो मेंस रहेगा उसी में ही। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट, अदरवाइज आई विल वाइंड अप दिस सेशन। हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जो भी करेक्शंस 3-4 क्वेश्चन मेरी गलती या जो भी हमारा रहा उसके देखते हुए उनको करेक्ट करके आपको प्रोवाइड करा। सनी वो मौलाना आजाद के नाम से है, आजाद वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, शैल वी वाइंड इट अप। बाकी जो एफर्ट्स मेरी तरफ से, प्रदीप सर की तरफ से प्री के टाइम पे रहे थे, चाहे फ्री इनिशिएटिव्स हो या फिर बैच के फॉर्म में हो, विल कंटिन्यू टू डू दैम। एंड हम आज बैठ के प्लान कर लेंगे और किस तरीके से क्या रहता है और किस तरीके से अपन चलेंगे। ठीक है, सो एक बार जस्ट टाइप। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you everyone for joining the session. See you in the next video soon. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.